సంకీర్తనైకపితరౌ కమలావాయథాక్షౌ విశ్వంభరౌ దిజభరౌ యుగధర్మపాలౌ వందే జగత్ప్రియకరౌ కరుణావతారౌ హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతి గోపేశ గోపికాకాంత శ్రీరాధకాంత నమస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభారుణ సుతే దేవీ ప్రణమామి హరి ప్రియే వృందాయ తులసీ దేవై ప్రియాయ కేశవశ్చ చ కృష్ణ భక్తి ప్రగ దేవీ సత్యవతై నమో నమః తమాదిదేవం కరుణానిధానం తమాలవర్ణం సుహృదావతారం అపార సంసార సముద్ర సేతుం భజామహే భాగవతం స్వరూపం జన్మ ప్రవజంతమనుపేతమపేతకృత్యం ద్వైపాయన విరహకాతర ఆదుభావ పుత్రేతి తన్మయతయా తరవోభినేదుం స్తం సర్వభూత హృదయ మునిమానతోస్మి నారాయణం నమస్కృత నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాస తతో జయముదిరే శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరి 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 రామ 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 హరి హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ హరి రామ 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 మరి గురుపాద పద్మ నితలీలా ప్రభుష్ణు విష్ణుపాద అష్టోదర శతశ్రీ శ్రీ శ్రీమద్ భక్తి శ్రీరు సిద్ధాంతి గోస్వామి మహారాజ్కి చరణ కమలమే అనంత కోటి సాష్టాంగ ధన్యవాద ప్రణామం కర్తాం. తత్పశ్చాత్ మరి సిఖ్యా గురుపాద పద్మ నితలీలా ప్రభుష్ణు విష్ణుపాద అష్టోదర శతశ్రీ శ్రీ శ్రీమద్ భక్తి వేదాంత శ్రీల నారాయణ గోస్వామి మహారాజ్కి చరణ సరోజమే శ్రద్ధా పుష్పాంజలి అర్పణ కర్తా. ఉపస్థిత వైష్ణవ వైష్ణవీ మాతా పితాయ భాయ బహిన్ సభీకి యథాయుక్త ప్రణామ కర్తా. హరే కృష్ణ. గతకల్ హంలో శ్రవణ కరదే థే కృష్ణ జబ్ పుతనా కో కృష్ణ పద కియే జబ్ నంద బాబా గయే థే మథురా మే కంసో కో కర దని కే లియే జబ్ ఉన్నే వాపస్ ఆయే ఉన్కో పతా చలా యే పుతన ఆ గయి థీ ఔర్ యే కృష్ణ కో ఘర్ సే బాహర్ ఉఠా కర్ లే గయి. నంద బాబా బోలే దేఖో అభి సావధాన్ హో జావ్, ఎరె గిరె వ్యక్తి ఆయే తో అందర్ మే ఉస్కో ఘుస్నే మత్ దియా కరో, జబ్ తక్ యశోదా ఔర్ మేరే ఆదేశ్ నహీ హో అందర్ మే జైసే కోయి ప్రవేశ్ నహీ కర్ పాయే. ఇత్నే మే శంకర్ జీ కో జబ్ పతా చలా మేరే ప్రభు కృష్ణ అభి గోకుల్ మే బాల్ గోపాల్ రూప్ మే జన్మ హుయే. శంకర్ భీ దర్శన్ కర్నే కే లియే శృంగార్ కర్కే ఆయే. శంకర్ జీ కా క్యా శృంగార్ హే కదా, శంకర్ జీ అప్నా శరీర్ మే కోయి స్నో పౌడర్ హాన్ ఏ సబ్ చీజ్ నహీ లగాతే హే, క్యా లగాతే హే? భగవతి కహాన్ కే? శమశాన్ కే. బోలే క్యూ, క్యా ఉన్కో కోయి పౌడర్ నహీ మిలా? नहीं तो उनको कोई चंदन नहीं मिला, नहीं लगा सकते हैं. कहते शंकर जी गुरु है, इसलिए गुरु होने का नाते ये जगत को शंकर जी शिक्षा देते हैं. बोले देखो, आप जिस शरीर को इतने प्रेम करते हो, इतने चवन प्रास खिलाते हो, जिम जाते हो और शरीर को इतने सुंदर श्रृंगार करते हो, ये शरीर का परिणाम एक दिन जो दो मुठी राग है. इसलिए गले में हड्डी की माला डालते हैं. बोले शरीर का परिणाम हड्डी है, इसलिए शंकर जी क्या करते हैं, पंचमुख राम नाम गान त्रिपुर. इसलिए शंकर जी हर समय पांच मुंह में
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हर समय शंकर जी ठाकुर का नाम को जप करते हैं। कहते शंकर जी को सर के ऊपर में कौन सा फूल चढ़ता है, कोई जुई चमेली बेली मालती नहीं। कहते उनके सर के ऊपर में धधुरे और आकंद का फूल, जो पेड़ कभी कोई नहीं लगाते और जो अपने आप जंगल में होता है और बड़े जहरीले हैं। बोले शंकर जी अच्छे अच्छे फूल क्यों ग्रहण नहीं किए? बोले जितने अच्छे फूल मेरे प्रभु सेवा में, मेरे कृष्णा राम की सेवा में लगेगा, मैं तो उनका सेवक हूँ। जंगल में अपने आप जो पेड़ होता है उसका फल में फूल में धारण कर लूंगा, इसलिए चंदन नहीं लगा। बोले क्यों? बोले चंदन तो मेरे प्रभु कृष्ण राम की सेवा के लिए, मैं तो शमशान की राख शरीर में मलूंगा। कहते शंकर जी, कहते भैया शंकर जी का अलंकार किया, कोई सोने चांदी नहीं पहनते, सारा शरीर में सर्प सर्प है, गले में देखो हाथ में देखो कमर में सर्प ही है। बोले ये सर्प कौन है? बोले सिर्फ अनंत नाग है। बोले अनंत नाग कौन है? बोले शंकर जी के गुरु है, दुनिया को शिक्षा देते हैं। अगर तुम्हें अलंकार धारण करना तो इसको सोने चांदी मत पहना करो, मरने से पहले सब उतार कर रख लेंगे। लेकिन अगर पहनना है ना, गुरु जी की उपदेश को अपना अलंकार बनाओ, जो गुरु जी की उपदेश को ग्रहण कर दो तुम्हें भव सागर से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, पार हो जाएगी। इसलिए शंकर जी परम वैष्णव है, इसलिए वो अपने आप को छुपाने के लिए कोशिश करते, छपाने नहीं वो छुपाने की कोशिश करते शंकर जी। लेकिन उन्होंने छुपाने के लिए तो कोशिश की लेकिन वो छुपा नहीं सके। बोले क्यों? बोले उनका शरीर में जगत का सबसे पवित्र वस्तु शंकर जी के शरीर में, जानते हो क्या है? शंकर जी के पास में सबसे पवित्र वस्तु उनके पास में, इसलिए शंकर जी अपने आप छुपा नहीं सके। बताओ क्या है? बोलो कौन बोलेगा? हाथ उठा, क्या है? इसलिए शंकर जी के पास में सबसे पवित्र वस्तु उनके सर के ऊपर में पतित पावन गंगा है। ये गंगा कौन है? भगवान की ये चरणामृत शंकर जी के सर में गंगा, इसलिए शंकर जी बर्फ के ऊपर रहने पर भी वो छुपा नहीं सके। बोले श्री गंगा देवी की। अभी शंकर जी जब आए अलग लीला जी करते करते शंकर जी आए, इतने में दरवाजे पर एक गोपी थी। शंकर जी बोले मैंने सुना है नंद घर में एक लाला भयो है। बोले भैया लाला भयो तो तेरे कहाँ भयो है? बोले थोड़ा लाला को दर्शन करा तो। बोले बाबा कुछ दिन पहले ये पुतना आ गई थी, वो तो बड़ी सुंदर सज सज करके आई थी लेकिन निकली राक्षसी, और तू तो देखने में वैसे लग रहे हो, तेरे को देख कर मेरा जी घबरा रहा है, हाँ बड़ा भयंकर रूप, पीछू सांप लटक रहा है। भैया लाला की दर्शन नहीं होगा, सोना चांदी जो चाहते हो लो और अपना रास्ता तुम देखो, हैं? इतने में शंकर जी, हैं? इतने में वो गोपी जा करके मैया जसोदा जी से बोले, बोले मैया कहाँ से के बाबा आया है? कहते लाला को दर्शन करा दे, लेकिन जिसको देख कर मैं ही डर रही हूँ। मैया आई, बोले बाबा कहाँ बात है? बोले मैया थोड़ा लाला को दर्शन करा दे, बढ़िया आशीर्वाद को लाला को। बोले तेरे को देख करके मेरा ही जी घबरा रहा है, और बोले लाला के ऊपर में बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, इसलिए लाला फला का दर्शन नहीं होगा, सोना चांदी लो और अपना रास्ता को देखो। अभी शंकर जी सोच रहे हैं, देखो ये ब्रजवासी कितने भोले भाले हैं। कहते कृष्णा मेरे को दर्शन करने से डर जाएंगे, जो काल का जो काल है ये शंकर जी। मैया जसोदा तो कृष्ण को लेकर उन्होंने घर की कोने में छुपा दी, शंकर जी वहीं पर त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए। बोले जब तक लाला का दर्शन है तो नहीं कराओगे ना, यहाँ से हटने वाले नहीं। फिर शंकर जी भगवान की नाम को जप करने लगे, उनको ध्यान किए। बोले प्रभु बड़ी दूर से आया, एक झलक दर्शन करा दे, तेरे सारे लीला मैंने देखा लेकिन बाल गोपाल रूप दर्शन नहीं। कृष्ण भक्तवत्सल है। अभी शंकर जी को दर्शन देने के लिए कृष्ण रोना शुरू कर दिया। मैया जितने थपथपी लगाई उतने जोर जोर से रोई।
उतने जोर जोर से रोए। बोले लाला बाज क्या हो गया, ये रोना क्यों नहीं बंद हो रहा है। एक गोपी का मैया जो बाबा आया था ना, वो आंख बंद कर चुपचाप बैठा हुआ, लगता है कुछ जादू टोना कर रहा है, कुछ जादू टोना कर रहा है, जाओ लाला को दर्शन करा दो। फिर मैया ने काले कपड़े से ओढ़ करके मोटी मोटी काजल लगा दी, काजल का बूंद लगा दी, और बड़ी कष्ट से लाला को ला करके बोले बाबा तू बड़े अखड़ हो, ले दर्शन कर। केवल एक झलक उन्होंने दर्शन कराया, ये बच्चे को गोद में लेगा माता जी, इसको गोद में ले लो, ये सुनेगा ये सुनने नहीं दिया इसको, इसको अब इसको ही सब देखने लगते हैं। इसलिए अभी उन्होंने जोर जोर से जब कृष्ण को एक झलक दर्शन कराया, कृष्ण तो रो रहे थे, अभी कृष्ण तो जोर जोर से हंसना शुरू कर दिए, शंकर जी हंस रहे थे, शंकर जी रोना शुरू कर दिए। मैया बोली लगता है ये बाबा कुछ जानता है, ये लाला का रोना तो ले लिया और अपना हंसना लाला को दे दिया, लगता है ये कुछ जानता है। अगर माता को पता चले ना बाबा थोड़ा जादू पढ़ाने का हाथ देखना जानते हैं, सब माताएं गिर जाए। बोले बाबा थोड़ा मेरा हाथ देख लो, बताओ तो क्या होगा। सब घेर गए शंकर जी को, हैं इतने में बोले बाबा मेरे लाला को बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, कोई है तेरे पास में दवा हुआ। बोले एक बढ़िया दवा। बोले बताओ। बोले लाला को जब भोजन कराते हो वो प्लेट में जो बच जाएगा उसको ला करके मेरे को दे देना, मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि भगवान को जब कोई चीज भोग लगता है वो हो जाता है प्रसाद, प्रसाद हो जाता है। इसलिए शंकर जी सबसे प्यारा शंकर जी को भगवान का प्रसाद है, हैं? बोले और कुछ करना पड़ेगा। बोले और एक काम करोगे तो लाला को पर कभी नजर ही नहीं लगेगी। बोले बता दे। बोले जब लाला को तुम स्नान कराते हो वो जो पानी बच जाएगा ना मेरे सर पर डाल देना, क्योंकि भगवान की चरणा मृत ही गंगा। इसलिए ना कावर लोग ले जाते ना कावरे, कितने दूर से गंगा पानी को ला करके शंकर के सर पर डालते हैं। शंकर जी को सबसे प्रिय श्री गंगा, गंगा कौन है, कृष्ण की चरणामृत ही गंगा है। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, जैसे शंकर जी को कोई भी वस्तु डायरेक्ट भोग नहीं लगानी चाहिए, इसलिए शिव पुराण में बताया शंकर जी की डायरेक्ट प्रसाद खाने पर कुत्ता बैठना पड़ता है। इसलिए कोई भी चीज शंकर जी को डायरेक्ट मत भोग लगा दो, लगाओ तो पहले कृष्ण को नहीं तो राम को, वो प्रसाद शंकर जी को लगाओ, फिर उसको प्रसाद नहीं फिर महा महा प्रसाद, उसका महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए बताओ ये हनुमान जी को, ये शंकर ही हनुमान बन कर गया है। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, लड्डू सवा मन के लड्डू बनाएंगे और हनुमान जी को भोग लगाएंगे तो मुंह में ठोसेंगे लोग खाओ, क्या हनुमान जी भूखे हैं, हनुमान जी भूखे हैं, सवाल मन क्या लाख मन भी भोग लगाओ हनुमान तो उस तरफ पे देखेगी नहीं। जब राम दरबार लगता है हनुमान जी कहाँ बैठते हुए होते हैं, बताओ कहाँ बैठते हैं, चरणों में। जब तक भगवान राम की भोग नहीं लगी, जब तक मैया जाने की कोई चीज को नहीं ग्रहण करती है, हनुमान की वो वस्तु को कभी ग्रहण नहीं करती। अगर राम सीता को भोग लग गया ना, फिर हनुमान को भोग लगाने की जरूरत नहीं, तो लपक कर खा जाएगी, क्यों, वो भगवान की सबसे बड़े भक्त श्री हनुमान जी। इसलिए दुनिया चले ना श्री राम के बिना, आप सब जानते हो। इसलिए राम जी चले ना हनुमान के बिना, हनुमान जी चलना प्रभु राम के बिना। इसलिए शंकर जी को हनुमान जी को सबसे बड़ा प्रिय है, ठाकुर जी की प्रसाद है। इसलिए कोई भी चीज हो पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर शंकर जी को, माता जी को, हनुमान जी को, गणेश जी को लगाओ ना, ठाकुर जी बड़े खुश होकर खाएंगे और आपका आशीर्वाद देंगे, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी कृष्णा भी धीरे धीरे बड़े हुए, बोले कितने बड़े हो गए, जब बच्चा करवट लेता है कितना महीना में, कितना महीना में, 3 महीना में 4 महीना बच्चा करवट लेता है। कृष्णा जब करवट लिए मैया को तो बड़े खुश हुए, लाला के शरीर में ताकत आ गया, देखो अपने आप उसने
करवट ले लिया, बोला आज अपना घर में उत्सव मनाऊंगी। सब ब्रज गोपियों को नौता दे दी, आंगन को साफ कर दी, जितने दूध दही बैल गाड़ी को ऊपर रख दी दूर पर, और कृष्ण को स्नान करा के उसको नीचे लेटा दी, और सारे गोपियों को बुला करके बड़े सुंदर भजन गा रहे हैं। बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरी कगे रंग काला, गोकुल से आयो रंग काला, लेकिन मैया तो कौन आया, किसको क्या लेना क्या देना, घर में अकेली सब, मैया को कान में आवाज ही नहीं पड़ी। कृष्ण सोच रहे भैया रोया तो कब तक रो, अभी रो रो थक गया, कितने अभी रो। अभी कृष्ण की इच्छा शक्ति जो माया कंस को प्रेरणा दी, कंस ने एक राक्षस भेज दिया जिसका नाम शकटासुर। ये पहले जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच था, एक दिन पुलस्त ऋषि की आश्रम में प्रवेश करके सारे उनको पेड़ पौधा को उन्होंने तसनस कर दिए। बोले भगवान इसलिए तेरे को मोटे छोटे बनाए, संतों की ठाकुर का बात को उजाड़ने के लिए। बोले जा, जिस शरीर में तेरी इतना अभिमान, तेरा शरीर गायब हो गया। और बोलते ही सचमुच उसका शरीर ही गायब होना शुरू हो गया, सारी नशा उसकी उतर गई, फिर ऋषि के चरण में गिरे। संत बड़े दयालु होते, बोले जा, जब कृष्ण द्वापर युग में आएंगे उनकी चरण स्पर्श से तेरे उद्धार मिलेगा। अभी कंस उसको भेज दिया, और वो गोकुल में आकर के देख रहा है कहां पर कृष्ण, देखा बैलगाड़ी को नीचे लेटे हुए, सोचा इसको पर सवार हो जाता हूँ, उसको तो शरीर है नहीं, नीचे दबते 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 कृष्ण दब जाएंगे। कृष्ण ऊपर में देखा, बोले भैया मामा जी आ गए, जरूर कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, कंस मामा उनके संबंध सब मामा लगते हैं। इतने में कृष्ण धीरे 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 अपना चरण को चलाया, और ऐसे उन्होंने ठोकर मारे गाड़ी को, गाड़ी पलट गई, जितने दूध दही मक्खन सत्य सब बिखर गया। सारी प्रजवासी भागते भागते आए, पलटी तब पलटी गई से कोई आंधी तूफान गई थी, लेकिन सखाओं ने देखा था कृष्ण के चरण की स्पर्श से गाड़ी पलटी। सखाओं ने बोले भैया भैया हम हाँ बताए, बोले बताओ, बोले कन्या की चरण की ठोकर से, लगता है भाग की बोला ज्यादा खा लियो। लाला अभी 3 महीना की, उसको ठोकर से बैलगाड़ी पलट गई, लेकिन मैया को विश्वास नहीं हुई। फिर मैया ने कृष्ण को लेकर के कीर्तन को बीच में लेटा दिया, फिर गाए जियो श्याम लाला, तेरी
कृष्ण खुश हो गए, बोले भैया पहले तो मैं यही चाह रहा था, अगर मेरे को पहले ले आते इतना नदगट थोड़ी करता, इतने दूध है थोड़ी बिगड़ता। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर घर में कोई उत्सव होता है ना, भगवान को यहाँ से कभी दूर मत कर। इनसे उत्सव हो रहे हैं कृष्ण की कीर्तन सब, लेकिन कृष्ण उत्सव से उन्होंने अलग रखा बैलगाड़ी को नीचे, और घर का सामान सामान कहाँ रखा, बल गाड़ी के ऊपर। मतलब सांसारिक की वस्तु को तो कर दिया ऊंचा, और भगवान को लेटा दिया नीचे, भगवान को कर दिया छोटा गौण, और मुख्य क्या किया, संसार की चीज को मुख्य कर दिया। बोले भगवान बोले ऐसे लात मारूंगा ना, सब बिगाड़ दूंगा, चौपट कर दूंगा। मतलब है अगर घर में बच्चे का बर्थडे शादी की साल अगर कोई भी कुछ करते हो, भगवान को यहाँ से अलग मत करो, सब चीज में भगवान को लेकर करो, ठाकुर को लेकर करोगे ना बात दस मिनट बैठते रहेगा। अगर भगवान को अगर अलग कर दोगे, जैसे बच्चे का बर्थडे, बच्चे के लिए पहले कपड़ा मत लाओ, कपड़ा लाओ पहले गोपाल के लिए, कृष्ण के लिए लाओ। देखो भगवान के लिए कपड़ा है कि नहीं है, अपना लिए पहले साड़ी मत लाओ, पहले ठाकुर के लिए साड़ी लाओ। भगवान को अगर श्रृंगार कराओगी, हम पहले बोला ना अपना शरीर को श्रृंगार करो और शीशा को सामने खड़े हो जाओ। अब देखना ये शरीर को जैसे श्रृंगार करोगे, ये शीशा में परछाई भी अपने आप सज जाएगी, परछाई को सजाने का जरूरत नहीं। इसलिए मूल कौन है, कृष्ण। जब कृष्ण को हम श्रृंगार करेंगे, परछाई मतलब हमारा शरीर, ये अपने आप सज जाएगी। इसलिए अपना को सजाने के लिए कोशिश मत करो, किसको सजाओ, किसको सजाओ, घर में ठाकुर जी को सजाओ, उनको स्नान कराओ, उनको कपड़ा पहनाओ, उनको तिलक लगाओ, उनके लिए रोज एक फूल की माला डालो, देखना घर में शांति सुख समृद्धि, घर में सब कुछ संसार में अपने आप हरा भरा हो जाएगा। क्यों, ठाकुर जी खुश हो गए, ठाकुर जी खुश हो गए तो घर में सब खुशियाली खुशियाली रहेगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अभी कृष्णा कृष्णा अभी देखना, बच्चा जब करवट लेता है ना, जैसे सांप धीरे धीरे खिसक खिसक कर चलता है, बच्चा भी पेट की सहारा से वो भी धीरे 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 चलना शुरू करता है। पहले हर घर में चौकट होता था, चौकट जानते हो क्या है, दरवाजे का वो क्या है, चौखट दरवाजा जिसपे लगता है, जिसमें लगता है, हाँ चौकट है, चौकट मतलब होता है दहली। हाँ जैसे अभी तो चौकट फोटो खत्म हो गई, और किसी घर में नहीं होता है, जो घर का जो ये होता ना दहली चौकट, अभी पहले हर घर में चौकट होता था। कृष्ण सोचा घर से थोड़ा बाहर निकलो, लेकिन कभी तो केवल उनको पेट के सहारा से चलना सीखे, पेट से घिसटते घिसटते चौकट के ऊपर में आए, और आधा शरीर बाहर और आधा शरीर भीतर, कृष्ण तो लटक गए, ये चौकट था बहुत ऊंचा है, कृष्ण लटक गए, अभी बाहर भी नहीं जा पा रहे, अंदर भी नहीं जा पा रहे। अभी कृष्ण रोना शुरू कर दिए। इसी समय नारद और लोमहर्ष ऋषि आए थे, प्रभु जी कैसे लीला कर रहे हैं दर्शन के लिए, और आकर के देखा भगवान को लटकते हुए, और भगवान रो रहे हैं। बोले भैया इधर लटकत भगवान, जिनके नाम लेने पर जीव भवसागर से पार हो जाए, अभी प्रभु अभी चौपट को पार नहीं हो पा रहे। इसको देख करके तो बड़ी जोर से ठाल लगा कर हंसने लग गए नारद जी। थोड़ी देर बाद में फिर रोने लग गए। इतने में श्री नारद जी को लोमहर्ष ऋषि प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु पहले तो आप हंसे फिर बाद में रोए, बोले कैसे क्यों, बोले इसलिए मैंने हंस रहा था, क्या भगवान इच्छा करने पर चौकटों को बाहर नहीं हो सकते, बोले लटक रहे क्यों, रो रहे क्यों, कहते भक्तों को आनंद देने, भक्तों को आनंद देने के लिए अगर प्रभु ये लीला नहीं करते कथा सुनते छोड़, बोले रो रहे थे क्यों, बोले इसलिए हम रो रहा था, ये ज्ञानियों का दुर्भाग्य को देख देख करें, जो ज्ञानी होते हैं भगवान को लीला को नित्य नहीं मानते, अनित्य मानते हैं, इसलिए प्रभु की लीला को ये स्मरण नहीं करते, इसलिए उनकी दुर्भाग्य को सोच सोच करके मैं रो रहा था। अभी कृष्ण और धीरे धीरे बड़े हुए, जब कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए, जब चलना सीखे ना धीरे थोड़ी थोड़ी सी, दो बच्चे कौन, कृष्ण और बलराम, ये दोनों भाई है, और दोनों भाई इतने चंचल, आप देखना बच्चा कितने चंचल होते हैं, जब एक मैया
दोनों बच्चों को संभालती है, एक मैया फिर घर का काम करती है, हैं? कभी आग देखे पकड़ने के लिए जाए, मैया वहां से बचा कर के लाए, कभी तलवार देखे उसको पकड़ने के लिए जाए, मैया वहां से बचा करके लाए, कभी जाकर गैया का पूछ ही पकड़ लेते हैं, और बछड़े का बछड़े उठ करके बछड़े दौड़ने लग जाते हैं, और कृष्ण उसको पीछे लटकते लटकते चले जाते हैं, फिर मैया वहां से बचा करके लाए, कभी बाहर होता है फूल उसमें खिला हुआ, कृष्ण बलराम फूल का लोभ से अंदर में चले जाते हैं, अंदर तब चले गए फूल को तो पकड़ लिया, लेकिन वापस जब आएंगे ना देखे कांटा कांटा रोने लग जाते हैं, फिर मैया वहां से बचा करके लाते हैं। अब देखना पहले गाँव में कुआ होता था, कुआ से पानी भरते थे, कुआ है ना ऊपर एक लोहे उसमें एक चक्का होता है, रस्सी डालते हैं, अब कृष्ण बलराम दोनों गए जाकर के ना वो रस्सी को यहाँ से खोल दिए, और उसमें जो बाल्टी था उसको धीरे 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 नीचे डाल दिया, अभी पानी भर गया, जब पानी भर गया कृष्ण बलराम दोनों रस्सी को पकड़ लिए और खींच नहीं पा रहे, छोटे बच्चे है ना और खींच नहीं पा रहे, देखो जिसने गिरिराज उठा लिया, जिसने गिरिराज उठा लिया, जिसने पृथ्वी को उठा लिया, आज प्रभु दोनों बाल्टी को खींच नहीं, रो रहे कृष्ण बलराम, फिर भैया आकर के फिर बाल्टी से फिर पानी निकालती है। कृष्ण बचपन में बड़ी सुंदर सुंदर लीला करते थे, एक दिन सोच रहे हैं भैया जब जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए मैया हमें गोमूत्र गोबर से स्नान कराती है, चलो आज हम दोनों जाकर के गोबर और गोमूत्र को शरीर में लगाते हैं। पास में गैया बंधे हुए थे, गए और जितने गोबर और गोमूत्र और जितना कीचड़ था ना सारा शरीर को पोत दिया, सारा शरीर को, और दोनों भैया ऐसे बैठे हुए, मैया बोले दोनों गए ना यही तो खेल रहे थे अभी अभी, बोले कनुआ बलुआ तुम दोनों कहाँ हो, बोले मैया हम यहाँ पर, बोले वहां क्या कर रहे हो, देखा सारा शरीर मिट्टी गोबर से पोते हुए, मैया तो दोनों को कान पकड़ लिए, बोले अभी अभी तुम दोनों को हमने श्रृंगार किया स्नान करा के, अभी अभी सब श्रृंगार बिगाड़ दिया, मैया कान पकड़ करके बोले बोले क्यों रे, बोले तुम सुकर असी गत पुतना रे, हे पुतना के अरी क्या तुम दोनों पूर्व जन्म में सुअर थे, क्योंकि सुअर क्या करता है सारा शरीर में कीचड़ को सुअर तो लगाते हैं, क्या सुअर थे, इतने में कृष्ण बलराम सर पे से हिला रहे, बोले मैया हम तो पहले सुअर थे लेकिन तेरे को कैसे पता चला हम सुअर थे, क्योंकि भगवान ने सत्य युग में बराह अवतार लिए थे, ये बराह अवतार सुअर का अवतार है, फिर मैया ने दोनों को स्नान कराती है श्रृंगार कराती है। देखो आज भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं, ये जो गोबर और जो गोमूत्र है ना ये अमृत है, इसलिए जब ब्रह्मा जी गैया को सृष्टि की उन्होंने 33 करोड़ देवता को उनका शरीर में निवास दिया, लेकिन उसी समय सरस्वती और लक्ष्मी वहां पर थी नहीं, जब उनको पता चला ब्रह्मा जी ऐसे एक प्राणी सृष्टि की जिसमें 33 करोड़ देवता का निवास है, अभी लक्ष्मी पार्वती भागते भागते आए ब्रह्मा जी से बोले हमने सुना ऐसे प्राणी सृष्टि किया जिसमें 33 करोड़ देवता की बात, बोले हाँ, बोले हम तो थे ही नहीं, हम कोई स्थान दो, बोले तुम दोनों के लिए कोई स्थान नहीं, पूरा शरीर भर गया, बोले प्रभु जी हमें भी स्थान दे दो, ब्रह्मा चिंता करने लग गए, बोले दो जगह तो बच्चा हुआ है लेकिन सबसे अपवित्र स्थान है, एक पेशाब है और एक विष्ठा है, लक्ष्मी सरस्वती बोले हमें वही स्थान दे दो, इसलिए ये लक्ष्मी सरस्वती की विष्ठा मूत्र में स्थान है, आप देखना घर को पवित्र कैसे करते हैं गोमूत्र गोबर से, जब भगवान को स्नान कराया जाता है गोमूत्र गोबर उस थोड़े उसमें डालते हैं, हैं? क्योंकि ये पवित्र वस्तु है, पवित्र वस्तु गोबर, अभी साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके इतने मेडिसिन जो देसी गाय है अभी इतने मेडिसिन निकालते हैं गोमूत्र से, ऐसे कोई बीमारी नहीं जो ये गोमूत्र से सही नहीं होता है। हमारे मंदिर में एक बाबा है, वो पहले नासा में साइंटिस्ट थे, अमेरिका में उन्होंने PhD किया, अभी वो देसी गैया हमारे बेंगलोर में एक गौशाला है वहाँ देसी गैया को पालते हैं, और उनकी गोबर से ना उनको गोबर से साबुन बनाते हैं, गोबर से बना रहे हैं धूप काठी बनाते हैं गोबर से, हैं? और गोमूत्र से मेडिसिन बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, इसलिए गैया को अंदर में
ऐसे कोई मेडिसिन नहीं जो है नहीं गोमूत्र गोबर से, सारे बीमारी उससे सही होता है। इसलिए आज भगवान भी अपना शरीर में गोमूत्र गोबर लगाए। हमारे मंदिर में एक बाबा, एक गौशाला है, वो बाबा को श्वास का बीमारी थी और श्वास का बीमारी सही नहीं है, लेकिन वो बाबा जब उन्होंने गैया सेवा की ना, वो गैया जब सेवा करते गोमूत्र गोबर की स्मेल आती है, हाँ उसकी, अभी उनका शरीर सही हो गया, श्वास का बीमारी सही हो गई। ये गोमूत्र गोबर में इतने शक्ति है। आज भगवान स्वयं अपना शरीर में गोमूत्र गोबर की भगवान ने महिमा दिखाई। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधेश्याम। अभी कृष्णा धीरे धीरे जब बड़े हुए, देखना जैसे बच्चे होते हैं ना, जिसको मुंह में जो आए बच्चों को वैसे बुलाते हैं, टुल्लू बुल्लू टिकली, जो इसकी जिसकी इच्छा, छोटू फोटू जिसको मन में जो आता है ना बुलाते हैं। लेकिन नियम है उनका प्रॉपर कोई नाम होनी चाहिए, और नाम ऐसे नहीं मन में जो आया नाम रख दिया, नियम ऐसे नहीं। पहले ब्राह्मण को बुलाओ, उसका जन्म पत्र देखो, उसका नक्षत्र को देखो, देख करके फिर एक नाम रखनी चाहिए, नियम। क्यों? बच्चे के ऊपर में वो जो नाम होता है ना उसके ऊपर में अच्छा प्रभाव पड़ता है। मनमान नहीं रखनी चाहिए। अब तो हिंदू देखना शादी से पहले जन्म पत्र मिलाते हैं ना, कभी ये मांगली है, ये अमुक है, अमुक पता कैसे चलता है, वो नक्षत्र से, वो नक्षत्र से। इसलिए एकदम इसलिए शादी से पहले जन्म पत्र मिला करके शादी करवाते, क्यों? दोनों शांति सुख में जिंदगी भर बिताए। इसलिए पहले डाइवोर्स नहीं होता था, क्यों? एक तो मन मर्जी से शादी नहीं करते थे, फिर उनका जन्म पत्र देख करके फिर उपयुक्त समय पर उसको शादी करवा करते थे। इसलिए तभी ये सब साइंस, ये सब चीजें, इसलिए पहले डाइवोर्स, अभी इतना डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं, कि कारण है क्या? बोले कारण यही है, मन मर्जी जैसे तैसे जहाँ पसंद हो गया शादी कर लो, बस आई लव यू आई लीव यू फॉर की लीव, फिर तो जाकर कोर्ट में जाकर कचहरी में जाकर के फिर चक्कर काटते रहो, हैं? इसलिए ये सब साइंस है। इसलिए बच्चों का नाम इसे मत रखा करो, अपना मनमानी जो इच्छा हो गया टुल्लू बुल्लू छोटू रख दिया, ऐसे नहीं रखनी चाहिए। इसलिए वहां पर श्री नंद बाबा सोच रहे हैं लाला की कोई नाम करना हो जाए, लेकिन वसुदेव क्या सोच रहे हैं कि लाला मेरो है। इसलिए उन्होंने गर्गाचार्य को बुलाए, बोले आपको तो पता लाला मेरो है, आप एक बार गोकुल में जाओ, मेरे लाला का एक नाम रखो, देखो ऐसे एक नाम रखना जो नाम मेरे साथ में मिलता जुलता हुआ हो, ऐसे एक नाम रखना। गर्गाचार्य प्रसन्न हो गए और श्री गोकुल में नंद बाबा का घर में आए, और नंद बाबा तो देख करके बोला जीवन हमारा धन्य हो गया, घर में संत लोग आए हैं, घर में हरि कीर्तन हरि चर्चा होगी। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, जब तक घर में कोई साधु संत नहीं आए, जब तक घर में हरि कीर्तन नहीं हो, जब तक घर में हरि चर्चा नहीं होना, तब तक घर हमारी पवित्र नहीं होता, पवित्र नहीं होता है। फिर उनको बैठा करके चरण धोए, चरणामृत लिया, और उन्होंने अपने आप बोल पड़े मेरे बेटा का कोई एक नामकरण करके जाओ। वो खुश हो गए, बोले ले आओ दोनों बच्चों को, कृष्ण बलराम को ले आए। पहले श्री बलदेव प्रभु का नामकरण किया, उन्होंने जब ध्यान लगाया बच्चा कौन है, उन्होंने देखा विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने दर्शन किया, बोले शंकर सन कारण तो साई गर्भो दसाई चपय दिसाई से सांस जसांस सकला सनित्यानंद राम शरणम प्रपत्ति। बोले तुम्हारी ये जो लाला है ना, ऐसे कोई युग नहीं जिस युग में नहीं आया, यही मूल शंकर सन है, हैं? कारणोदसाई गर्भदसाई क्रिया विशेष कहते इनका अंश के अंश के अंश है। इसलिए इसका एक नाम होगा बलराम। बल बलराम क्यों होगा? बल बलाधिक्याद बलम विदु, बड़ा ताकतवर होगा और सबको भक्ति का बल प्रदान करेगा। राम मतलब सबको जो आराम देगा, हैं? और सबका हृदय में जो रमण करेगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। बोले इसका दूसरा नाम होगा शंकर सन, क्योंकि ये पहले देव की गर्भ में आए और जोग माया उनको आकर्षण करके रोज की गर्भ में स्थापन की, और कभी कभी अगर जदुवंश गोप वंश में कभी अगर थोड़ी थोड़ी झगड़ा हो जाए
ये झगड़ा कर नहीं देगा, सबको मिला जुला कर रखेगा, इसलिए इनका नाम एक संकर्षण भी होगा। बोले श्री संकर्षण भगवान की, जोर से लेकर लगा, बोले श्री ताऊ भैया की। सब सो रहे हैं सर, दिले हरे कृष्णा। अभी कृष्ण का नाम करण करेंगे, अभी उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान उनकी लगी नहीं, टूटा ही नहीं। बोले क्यों? अगर किसका एक दो तीन चार नाम हो ना, कोई फिर नाम रख दे, जगत में जितने नाम सब इन्हीं के नाम। अभी सोच रहे हैं भैया कौन सा नाम रखे, विश्व ब्रह्मांड से प्रकट हुई, सारा दुनिया की मालिक यही है, कितने अवतार, कितने नाम, कितने गुण। अभी तो ध्यान लगी गया। नंद बाबा तो बड़े तरस रहे थे, लाला का नाम क्या करना होगा। उन्होंने हाथ पकड़ कर हिलाए, बोले बताओ ना लाला का नाम बताओ। तब उन्होंने बोले देखो नंद, बोले आसन वर्णास्त्र जस्य गृणात अनुजुतम तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्णतां गतम। बोले तुम्हारे जो लाला है, ये हर युग युग में ये लाला जन्म लेता है, ये सत्य युग में ये हंसावतार रूप में आए, शुक्ल रूप लेकर के। तृतीया युग में जब यज्ञ हो रही थी, इन्होंने रक्त वर्ण रूप में आए। जब कलयुग आएगा ना, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आएगा, और उन्होंने क्या करेंगे, आकर के विश्व ब्रह्मांड में हरि कीर्तन को प्रचार करेंगे। इसलिए भागवत में बताए, बोले कृष्णा वर्णम तिस्नाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षद यज्ञे संकीर्तन प्राय जयंती ही सुमेधस। इसलिए एकादश स्कंध में बताए, बोले देखो ये जो कृष्ण ये है ना, बोले कृष्णा वर्णम कृष्णा, ये जो दो अक्षर है जिनको जीवा में हर समय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहिमा, हर समय ये कृष्ण जो दो अक्षर हर समय जिनको जीवा के ऊपर में नृत्य करेगा। बोले तिसाम, तिसाम मतलब जिनका अंग का रंग का क्या होगा, बोले अ कृष्णा मतलब काले नहीं, वो गोरे बन करके आएंगे। बोले क्या अकेले आएंगे, बोले नहीं, उनके साथ में दाऊ भैया और श्री बलदेव प्रभु और श्री सदा शिव अद्वैत आचार्य भी आएंगे। बोले कलयुग में इनका अस्त्र क्या होगा, जैसे त्रेता युग में भगवान का अस्त्र क्या था बताओ, त्रेता युग में भगवान का अस्त्र क्या था बोलो, धनुष बाण था, और द्वापर युग में क्या अस्त्र था, सुदर्शन चक्र। बोले कलयुग में अस्त्र क्या होगा, बोले कलयुग में अस्त्र होगा हरिनाम कीर्तन। बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम, और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले कलयुग में अस्त्र होगा हरिनाम कीर्तन होगा अस्त्र। बोले हरिनाम कीर्तन कैसे अस्त्र, अस्त्र से क्या करते हैं, काटते हैं ना, अस्त्र से काटते हैं, तो ये हरिनाम कीर्तन अस्त्र कैसे। बोले दूसरे दूसरे अवतार में, जैसे रामा अवतार कृष्णा अवतार, अगर कोई गलती काम किया तो भगवान राम ने क्या किया, धनुष उठा लिया, कृष्ण ने चक्र लेकर के काट दिया। लेकिन कलयुग में किसको मारे नहीं भगवान, किसको नहीं मारे ठाकुर जी। बोले क्यों नहीं मारे, कारण क्या, बोले कारण है कलयुग में कृष्ण राधा जी के अंग काटते और उनकी भाव लेकर के आए। अब देखो राम तो किसको मारे, मैया सीता किसको मारी, कृष्ण मारे, राधा रानी किसको मारे, क्योंकि ये माँ है ना, माँ के हृदय में बड़ा दर्द होता है, माँ के हृदय बड़े कोमल होती है, मैया के हृदय, इसलिए जगत का माँ कौन, श्री राधा रानी, इसलिए उन्होंने किसको मारे नहीं। इसलिए कलयुग में उन्होंने राधा जी की अंग काटी और भाव लेकर के आए, और राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु, किसको मारती नहीं, इसलिए एपे अस्त्र नाधरी प्राणी काले नामारी। महाप्रभु अवतार में उन्होंने अस्त्र भी धारण नहीं किया और उन्होंने किसको मारे भी नहीं, उन्होंने क्या किया,
सबको हरि नाम रूपी अस्त्र से हैं सभी के हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह है उन्हें सबको उन्होंने हृदय से नाम को द्वारा सबको उन्होंने मार दिया। ऊपर से तो मारे नहीं, हृदय से उन्होंने काम क्रोध को दूर करके उन्होंने सबको कृष्ण प्रेम दिया, हरि नाम सबको प्रदान किया। इसलिए हरि नाम करने से क्या होगा, हृदय में जो काम क्रोध अपने आप ये दूर हो जाएगा। इसलिए एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अरे पर जो आप बोलो मैं सुनूंगा, संपूर्ण विश्व में ये हरि कीर्तनों को प्रचार करेंगे। इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए केवल भारत नहीं संपूर्ण विश्व में हरि नाम कीर्तन प्रचार हुए। जब श्री प्रभुपाद आए महाप्रभु का भविष्यवाणी था, एक दिन ऐसे दिन आएगा पृथ्वी का कोने कोने में, पृथ्वी की कोने कोने में हरिनाम कीर्तन गुंज उठेगा और काले और गोरे दोनों एक साथ में मिलकर के बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, दोनों मिलकर हरि कीर्तन करेंगे। देखो इसे तो गोरे, एक गोरे और काले है, इसलिए ये भविष्यवाणी था, जो गोरे काले दोनों एक साथ मिलकर के हरिनाम कीर्तन दोनों मिलकर करेंगे है? इसलिए लेकिन अभी वो जो भगवान अभी ये इधर ही कृष्ण नाम करता, अभी ये कृष्ण रूप लेकर के आए, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले कृष्ण नाम क्यों पड़ेगा, बोले कृष्ण मतलब काले, क्या कोलतार जैसे, बोले नहीं कोलतार जैसे काले नहीं, भगवान को बताया घनश्याम, भगवान घनश्याम जैसे वर्षा का जैसे बादल का रंग होता है ना एकदम काले जैसे, वो कोलतार जैसे नहीं होता है, कोलतार ने नील मणि उदाहरण दिया, नील मणि जैसे रूप है, हैं? बोले कृष्ण ये घनश्याम क्यों, बोले जो मेघ ये कब घनीभूत, जब घनीभूत हो जाता है ना वो बरसात होता है, इसलिए पानी का एक नाम कृपा है, पानी का नाम कृपा, क्योंकि पानी के बगैर प्राण नहीं रहता, ये पानी का एक नाम कृपा है। इसलिए जब पानी घनीभूत अवस्था होता है तो मेघ हो जाती है तब बरसती है। बोले कृष्ण कौन है, बोले हे कृष्ण करुणा सिंधु, भगवान करुणा की समुद्र है, भगवान कृपा की समुद्र है, इसलिए कृष्ण घनश्याम है, काले कृष्ण बड़े दयालु बड़े कृपालु भगवान। और बहुत सारे रंग मिलाओ देखना, अलग अलग रंग होता है, लेकिन थोड़ा काला रंग मिला दो वो काला रंग सब रंग को अपना लेता है। इसका मतलब है बोले अगर कृष्ण भक्ति रंग में कोई चढ़ जाए ना, बड़े चढ़ना दूजो रंग उसके ऊपर कोई रंग ही नहीं चढ़ेगा, जैसे आप लोगों को ऊपर चढ़ गया काला रंग, इसलिए सारा दुनिया को ठोकर मार के बस कथा में चले जाते, ये रंग किसके ऊपर चढ़ गया ना, फिर इसके ऊपर कोई रंग नहीं काम करता है। इसलिए कृष्ण मतलब होता है सुंदर, कृष्ण मतलब सुंदर है। इसलिए बोले अभी इदानी कृष्ण नाम गता, वो जो भगवान अभी से कृष्ण रूप लेकर के आए, इसलिए इनका नाम क्या होगा, इनका नाम कृष्ण नाम होगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री नंद के लाला की, जसोदा दुलारा की। लेकिन वहां पर मैया जसोदा बैठी हुई थी, मैया जसोदा सोच रही थी ज्योतिष जी ना कोई काम की बात नहीं कर रहे, सब इधर उधर की बात कर रहे हैं, तेरे बेटा सत्य युग में ये, तृतीया युग में ये, द्वापर युग में ये, इनकी इतना नाम इतने रूप जिसको वेद भी नहीं जानता है, अरे इससे हमारा क्या मतलब, अरे ये तो बताओ लाला का शादी कब होगी, घर में कितने बहुएं आएगी, ये सब बात तो बताओ, क्योंकि मैया बूढ़ी हो गई, हर माताएं चिंता करती हैं लाला जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए और बेटा का शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए,
क्योंकि जब तक घर में बहू नहीं आती है ना, माताओं की घर का कामकाज करना पड़ती, घर में बहू आ जाए फिर क्या करती है, घर का बहू सारे कामकाज को वही संभाल लेती है, हैं? बहू सारे कामकाज को संभाल लेती है, पर सास को विश्राम मिलता है। इसलिए मैया ये सोच रही थी, इतने में ज्योतिष ने एक श्लोक बोल दिए जिसको सुन करके मैया तो बड़ी खुश हो गई। बोले क्या? बोले बहुनी संति नामानी। वो कह रहे तेरे बेटा का बहुत सारे नाम रूप होगा, लेकिन मैया तो अपना मन मन में लगा रही थी। बोले ज्योतिष शायद ये बता रहे हैं तेरे बेटे के बहुत सारी बहुएं हुई। खुश हो गई, बोले बाप ये अभी काम की बात बता। सचमुच से एक दिन राधा थी वृंदावन में, फिर ललिता विशाखा चंपकलता तुंग विद्या चित्रा सुचित्रा रंगदेवी सुदेवी हैं, फिर एक और जब रास किया सतकर्ण गोपियों के साथ में रास ले जाए, फिर जब कृष्ण द्वारका जाते हैं 16108 पटनारियों से शादी करते हैं, मैया तो खुश हो गए। बोले वाह बढ़िया ज्योतिषी, ज्योतिषी अगर अपना मन की बात बता देना। बोले भैया बढ़िया ज्योतिषी है, उन्होंने उनको बढ़िया दक्षिणा दिया, लाला को ज्योतिष की चरण में लेटा दी, उन्होंने आशीर्वाद दिए और बड़े खुश होकर के गर्गाचार्य चले गए। जब चले गए ब्रज के जब बड़ी बड़ी गोपियों ने पूछा बताओ लाला का नाम क्या किया है, बोले बड़ा बेटा का नाम बलराम और छोटा बेटा का नाम कृष्ण। बोले नाम तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये कृष्ण नाम जब तक जीवा तीन बार टेढ़े नहीं हो जाए ना, बिना कृष्ण नाम ही नहीं निकलेगा। कृष्ण जैसे टेढ़े उनका नाम भी टेढ़े और इनका रूप भी टेढ़े, इनकी बोली भी टेढ़ी, इनकी लीला भी टेढ़ी, सब टेढ़ी है। इसलिए ब्रज में एक भजन गाते हैं, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, गोकुल तेरी टेढ़ी मैया तेरी टेढ़ो, टेढ़ो रे टेढ़ी तेरी गोकुल नगरिया, तू टेढ़ो तेरी। कृष्ण के सब कुछ टेढ़ी, देखना टेढ़ी, बोलना टेढ़ी, चुनना सब कृष्ण के टेढ़ी टेढ़ी है, इनकी लपटी भी टेढ़ी, सब इनकी गली भी टेढ़ी। वृंदावन गए हो? कौन कौन गए? बाहर अब देखना जितने गली ना टेढ़ी टेढ़ी, सब कोई गली आपको सीधी नहीं मिलेगी, सब देखी गली सब टेढ़ी, इधर टेढ़ी इधर टेढ़ी है, भगवान की सब टेढ़े टेढ़े भगवान की। और कृष्ण अगर टेढ़े रूप में अंदर में चले जाए ना, कोई सीधा चीज हो अंदर में जाए तो निकलेगा, लेकिन टेढ़ा चीज कोई घुस जाए ना फिर तो वो निकलेगा नहीं। अगर दिल में एक बार बैठ गए ना फिर तो दिल से ये निकलने वाले नहीं। बोले श्री टेढ़े टांग वाले की। इसलिए कृष्ण अभी धीरे 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 कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। जब बड़े हुए एक दिन कृष्ण सोच रहे हैं तो भजन गाए राधे तेरी चरण। इसलिए कृष्ण जब तेरे बड़े हुए बोलते भैया ब्रज में जो आए ना सबके सब एक चीज प्रार्थना करते हैं, राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिल जाए। सारा दुनिया ये ब्रज धूल के लिए तरसते हैं। बोले भैया ये ब्रज धूल में है क्या चीज? इसलिए श्री रसखान कहते हैं ब्रज में जाओ तो दो काम जरूर कर। बोले किया? बोले रमण रेत लेटो नहीं कियो ना जमुना पान, रे मन क्या समझे ये ब्रज की तत्वमान। इसलिए ब्रज में जाकर दो काम तो जरूर करो, एक तो यमुना आचमन लो स्नान करो, और दूसरा काम क्या करो? बोले रमण रेत में जाओ और धूल में लौट बोट उठाओ। जब तक ये दो चीज नहीं करते हो तब तक ये ब्रज के महत्व को तो समझ नहीं पाओगे। अभी कृष्ण मिट्टी खाएंगे, प्रभु जी का भजन सुनाएंगे। जय जय श्री राधे Thank you.
Thank you.
तो
मेरे आत्मा राधा राणी राधा भी याद करता हूँ।
राधा गोरी उपल में तो काला हूँ ऊपर में, लेकिन अंदर में मैं गोरो हूँ। इतने में कृष्ण अपना झूठ को स्थापन करने के लिए बोले, भैया मैं तो चंद्रमा को हाथ उठा करके बोल सकता हूँ, यमुना में ठाड़ो होकर के बोल सकता हूँ, गैया की कसम खा करके बोल सकता हूँ, दाऊ भैया के हाथ पर सर पर हाथ रख करके कसम खा कर बोल सकता हूँ, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। इतने में कृष्ण ने सोचा, अगर बोलू मैंने मिट्टी खाया तो मुंह में लगा हुआ होगा, हो सकता मैया मान जाएगी, लेकिन मैया मानने वाली कहाँ थी। मैया तो एक धमकी दिखाई लगाई, बोले मुंह खोल में दिखना चाहता हूँ, एक धमकी दिखाई ना, इतने में डर से कृष्ण का मुंह खुल गया, मुंह खुल गया तो मुंह में मिट्टी लगा हुआ। इतने में कृष्ण सोच रहे, भैया मुंह में तो मिट्टी लगा हुआ, एक हाथ कान को पकड़े, एक में हाथ छड़ी डंडा, बोले डंडा अभी नीचे एक नहीं सब चीज गोबर गिरेगा। कृष्ण सोच रहे हैं, कृष्ण की जो इच्छा शक्ति योग माया वो प्रभु की लीला को वही करने वाली। अभी योग माया ने देखा, अगर मैं रहते रहते मेरे प्रभु अगर मार खा गए पीट गए फिर मेरे ऊपर में दोष आ जाएगी। योग माया ने किया कि इतने छोटी सी मुंह में ना विश्व ब्रह्मांड को दिखा दिया, कितने नदी कितने ब्रह्मा कितने शंकर, मैया तो डर गई है, भगवान अपनी आप को अंदर में देख रही थी। मैया सोच रही हो ना हो मेरे लाला तो भगवान नहीं, भगवान को अंदर में विश्व ब्रह्मांड। इतने में कृष्ण फिर डर गए, अगर मैया को पता चलेगा मैं भगवान हूँ फिर मैया क्या करेगी। घर में जैसे सालग्राम के लिए छोटा सा मंदिर बनाया और कभी दूध बतासा भोग लगा देती और घंटा हिला करके तुम्ही वो माता जो पिता तुम्ही वो बोलते करके फिर दरवाजा बंद कर देती। मैया मेरे ताई भी एक मंत्री छोटी सी बनाएगी अंदर में बंद कर देगी, फिर मैं जो सखाओं के साथ में लीला खेला करता हूँ बंद हो जाएगा। कृष्ण तो डर गए, जब डर गए इतने जोग माया सोचा भैया गड़बड़ी हो गया ब्रह्मांड दिखा करके, कृष्ण तो डर गए। इतने में सारे ब्रह्मांड को उन्होंने अंतर ध्यान कर दिया, देखा वही छोटा सा वो वही बाल गोपाल और कुछ है नहीं है। देखो यहाँ पर सिख्या देते हैं, आप बताओ कृष्ण मिट्टी खाए थे कि नहीं, बताओ बताओ मिट्टी खाए थे कि नहीं खाए थे, फिर कृष्ण झूठ क्यों बोले। दुनिया बोलेगा ना कृष्ण झूठ बोलेगा तो दोष नहीं, और हम झूठ बोलने पर दोष है, दुनिया यही बोलेगा ना, लेकिन शास्त्र कहता है नहीं, ठाकुर कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। क्यों? भागवत में बताया सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सचोनी निहितम च सत्य, भगवान सनातन, भगवान सनातन पहले भी सत्य अभी भी सत्य बाद में सत्य रहेंगे, उनका धाम सत्य उनका भक्त सत्य भगवान सत्य सत्य है। तो भगवान अगर झूठ बोलेंगे कैसे दुनिया चलेगा, कैसे फिर झूठ बोले तो, इसलिए भगवान कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। बोले अभी जो बोले, तब श्री वल्लभाचार्य उन्हें दो उदाहरण देकर समझाए, बोले भगवान कैसे झूठ नहीं बोले आप भी समझ लो, फिर मैं बाद में पूछूंगा क्या कैसे झूठ नहीं बोले मेरे को बोलना। पहला कृष्ण प्रमाण दिए, देखो खाना किसे कहते हैं, हमसे जब कोई चीज अलग होता है इसको खाना कहते हैं, लेकिन भैया ये विश्व ब्रह्मांड देख ले, विश्व ब्रह्मांड मेरे उदर पर पेट के अंदर में, भैया फिर मैंने खाया कब, दुनिया तो मेरे अंदर में, खाना कहते हैं हमसे जब कोई चीज अलग हो तो उसको खाना कहते हैं ना, दुनिया तो मेरे अंदर में, फिर मैंने खाना कहाँ से खाया, मिट्टी कहाँ से खाई। पहला एक नंबर। दूसरा नंबर है ये संस्कृत शब्द है ना अहम भक्षी तबानो को, बोले भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई ना अहम, मतलब मैं नहीं मिट्टी खाई, लेकिन ये शब्द को जब अलग करोगे ना संधि में चल कर ना अहम होगा, लेकिन जब संधि नहीं करके शब्दों को एक कर दोगे शब्द होता है नाहम, नाहम का पर्यायवाची में एक अर्थ होता है ब्रह्मांड। बोले भैया तू मिट्टी की बात क्या कर रहे हो, देख ले विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में, दुनिया मेरे से कोई अलग चीज नहीं भैया, इसलिए भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, उन्होंने स्थापना कर दिए। इतने में प्रश्न होता है फिर कृष्ण मिट्टी खाए क्यों, इसमें दो चार कारण बताते हैं। पहला कारण बताते हैं कि जो ब्रज रज है वो साधारण वस्तु नहीं, ये जो तिलक है ना ये क्या है, ये ब्रज का रज है, ब्रज की रज है, हैं? इसलिए हाँ देखो तिलक का कथा सुन लो, बोले एक समय नारद जी अब तिलक क्यों लगाते हैं, एक दिन श्री नारद जी भगवान के पास में गए, बोले ठाकुर जी
जगत में सबके सब बोलते हैं भगवान तेरा भगत है, बताओ तेरे भगत जगत में सबसे बड़े कौन तेरे भगत है। बोले मैं समय आने पर मैं बता दूंगा। एक दिन कृष्ण जान बुझ करके बुखार सर दर्द की लीला की, वसुदेव महाराज डॉक्टर बुलाए, उन्होंने जांच करवाया, दवा दिया, लेकिन कोई सर दर्द बुखार सही नहीं हुई। इतने में नारद जी बोले प्रभु तेरे नाम लेने पर सबका बीमारी सही हो जाता है, और तुम ऐसे लीला किया सर दर्द और बुखार, आप ही बताओ कैसे सही होगा। कृष्ण ने कहा देखो अगर मेरे कोई प्यारे भगत हो अपना चरण धूलि दे दे उसमें मैं स्नान कराया जाए ना मेरे सर दर्द बुखार सही हो जाएगा। बोले नारद सारा दुनिया कहते तू मेरा परम भगत हो, थोड़ा चरण धूलि दे दे मेरे को स्नान कर लो। बोले राम 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 राम, प्रभु आप मुंह से कैसे निकाले, क्या मेरे को नरक भेजना चाह रहे हो, मैं आपका चरण धूलि मेरे प्रभु कैसे दूं। बोले यहाँ पर बड़े बड़े भक्त है उद्धव सात्विक महेश इससे जा करके लाओ, जिसको पास में गए ना सबके सब गाली निकाले। बोले क्या बोल रहे हो, अपना चरण धूलि देंगे ठाकुर को स्नान करने के लिए। सारा दुनिया घूम घाम करके आ गए। बोले प्रभु ऐसे एक चीज मंगवाया सारा दुनिया मेरे को गाली निकाले। बोले कोई नहीं दिए, बोले नहीं, बोले सब जगह पर गए, बोले सब जगह पर गया। बोले वृंदावन गया था, बोले प्रभु केवल वृंदावन नहीं गया, मैंने सोचा ये ग्वाल ग्वालिनिया कंटा पीटने वाले दधी जी इनको क्या भक्ति पता है। बोले नारद जी असली भगत तो हमारे वहीं पर है, असली भगत तो वहीं पर, एक बार ब्रज में जा। अब ब्रज में जाते ही जितने ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, बोले कहाँ से आए, बोले द्वारका से। बोले हमारे लाला कैसे है, हमारे कान्हा कैसे है। बोले उनको बुखार में उनके लिए दवा लेने के लिए आए। बोले क्या दवा, बोले ठाकुर जी बोले अगर मेरे भक्त मेरे को चरण धूलि दे दे उसमें स्नान कराया जाए मैं सही हो जाऊंगा। बोले बोरी भरी कुछ लाया कि नहीं लेने के लिए, जितने ब्रजवासी थे ना चरण रगड़ रगड़ करके धूल कर निकाले और एक पोटली बांध करके उनके सर पर रख दिए, बोले जाओ कृष्ण को स्नान कर लेना करा लेना। बोले क्या तुम लोग पागल हो गए हो, तुम्हें पता नहीं कृष्ण भगवान है और चरण धूलि दे रहे हो, क्या मरने का रास्ता साफ कर रहे हो नरक जाने की। बोले नारद अगर कृष्ण सू के लिए एक जन्म नहीं, अगर हमें करोड़ों जन्म के लिए अगर नरक जाना पड़े हम नरक जाने के लिए तैयारी, लेकिन लाला कृष्ण की हम कभी दुख नहीं देख सकते हैं, उसको ले जाओ हम नरक चले जाएंगे, लेकिन हमारा कान्हा लाला तो सही हो जाएगा। नारद जी ने देखा भैया असली भक्त तो यही तो, हम तो नरक जाने का डर से भी चरण नहीं धुल दिए, ये कहते करोड़ों साल के लिए नरक जाने के लिए तैयारी, लेकिन हमारा लाला सही हो जाए, ठीक है ना। इसलिए वही धूल नारद जी ये ब्रज से लेकर गए, कहां द्वारका में लेकर गए, भगवान को स्नान कराया गया, भगवान की सर दर्द बुखार सही हुआ। इसलिए द्वारका कोई गए हो, कौन कौन द्वारका गए, द्वारका तुम गया कब गया, आप गए हो, वहां पर एक गोपी तालाब है, अब जाकर देखना ये जो मिट्टी है ना ऐसे रंग का मिट्टी कहीं नहीं मिलेगा, केवल ये द्वारका से ही ये मिट्टी मिलता है। इसलिए अब राम को देखो जो तिलक देखना यही इसी इसी से ही है, भगवान राम को देखना इतना बड़ा तिलक, हनुमान जी को देखो कहीं फटो देखना उसी ब्रज रज से तिलक, भगवान कन्हैया को देखना उसी पे तिलक, नारायण को देखोगे आधा मुंह तो ठाकुर का तिलक से भरा हुआ, तिलक से उनकी आंख भरा हुआ, और तिलक की इतने महत्व है। देखो तिलक है ना एक तरह का कवच का काम करता है, कर्ण के पास में कवच था ना, जब तक उसके पास में कवच उसको दुनिया कोई नहीं मार सकता है, ये तिलक नहीं कवच है। देखो ध्यान देकर सुनो, जब हम तिलक लगाते हैं तिलक लगाने के बाद हम उसको स्थापन करते हैं, तिलक एक जगह पर नहीं, हम ध्यान देख अच्छे तरह से सुन लो, तिलक हम 12 जगह पर लगाते हैं, यहाँ 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 यहाँ, ये 12 जगह पर तिलक लगाते हैं, ये भगवान के 12 नाम है, ललाटे केशव, उदर में नारायण, बख्ये माधव, कट्ठे गोविंद, दक्षिण पार्श्व विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, धराय, ऋषिकेश, दामोदर, पद्मनाभ, वासुदेव, ये भगवान संपूर्ण तिलक रूप में ठाकुर का निवास, इसमें इतने शक्ति, जैसे आपका जीवन में आज बहुत बड़ी अनहोनी एक्सीडेंट होने वाला है लेकिन आप तिलक लगा करके जाओ कुछ भी नहीं होगा, शरीर में अगर कोई उल्टा पुल्टा हवा लगता है कोई चादर ना करता है ये तिलक लगाओ हमारे कुछ नहीं होगा। देखो आपको एक मैं सही घटना सुनाता हूँ, दो घटना सुनाता हूँ, मैं अशोक नगर में कथा करता हूँ,
एक समय 2 साल की एक लड़की थी, वो 6 मंजिल के ऊपर रहती थी, उसको माता भी तिलक लगाती और छोटी बच्ची को भी तिलक लगाती है। वो छोटी बच्ची बालकनी में झांक रही थी 2 साल की, वो झांकते झांकते ना इतने में 6 मंजिल से उसने गिरी। 6 मंजिल से गिरी तो उसको कुछ नहीं हुआ, उसको तिलक लगाई थी। अभी देखो वो लड़की अभी है, अगर 6 मंजिल से 2 साल की कोई बच्ची गिरती क्या होगा, छत्तू हो जाएगी, लेकिन वो बच्ची को कुछ भी नहीं हुआ। मैं रसिया जाता हूँ, एक माता जी हमारे बड़े गुरु जी के शिष्य थे, वो तिलक विलक लगाया कुछ नहीं करती थी, उसको ना कहीं प्रेत भूत दिखता था, उसके पेट में गर्भ में बच्चा नहीं आता था, वो डायरेक्ट भूत पिशाच को, रात में नींद नहीं आती थी, आंख पूरी लाल लाल। उसने बहुत कुछ किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं जब रसिया गया, फिर मेरे को सारी बात बताया, ऐसे ऐसे पेट में बच्चे नहीं आते, मैं तो डायरेक्ट भूत पिशाच मेरे को डायरेक्ट दिखती है, रात में नींद नहीं आती। फिर मैंने आचमन की बात बताया, तिलक स्थापन करो और गंगे चे जमुने चे गोदावरी सरस्वती ये तीर्थों का आह्वान करके आचमन का पानी सर पर छिड़काव करवा और आचमन करो। उसने की तो एक दिन में सारे भूत भूत कहीं गायब हो गए। मैं जब 2 साल गया ना, उसका जो बेटा हुआ मैंने उसका नाम रखा राधा कांत, अभी वो बेटा बड़ा हो गया है, उसका नाम राधा। ये तिलक की इतने महत्व, आप तो हिंदू है, आप देखना जैसे कोई अच्छे बिजनेस में जाते हैं क्या करते हैं, तिलक लगा कर बेचते हैं। बोले क्यों, तुम्हारा बिजनेस सही हो जाए, तुम्हारा बिजनेस बन जाए, इसलिए तिलक की बड़ी महत्व। ठीक है ना, क्या करना है, तिलक लगाना है, क्या करना है, हाँ सबके सब ये तिलक लगा करना, ठीक है ना। अगर ये तिलक लगाओगे ना करना, ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरी और गोपाल जो सो जो चुड़ल अमर हो जाए। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की, हाँ ये तिलक लगा दिया ना, कन्या तुम्हारी दुल्हा बन गया, कन्या तुम्हारी दुल्हा, तो उसकी दुल्हा नहीं बन गई, कृष्ण उसको स्वीकार कर लेती है। ठीक है ना, सबके सब तिलक लगाया करना, ये गोपियों की चरण धूलि है, ठाकुर जब लगाते हमारे क्या बात है, हमारे क्या बात है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए आज मान भगवान ने मिट्टी खाए, मिट्टी खा कर किसको दिए, बोले मैया तू सोच रहे हो मिट्टी अकेले खाया, नहीं मैया देख ले विश्व ब्रह्मांड दिखाए, ये विश्व ब्रह्मांड ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद ये भी ब्रज रज के लिए ये भी तरसते हैं, इसलिए मैया मैंने विश्व ब्रह्मांड को ये ब्रज रज दिया, तू विश्वास नहीं हो रही है, देख ले मैया सारा दुनिया मेरे अंदर में सबको मैंने ब्रजरज पहुंचा दिया, सब ब्रजरज को पा करके सबका जीवन धन्य हो गया। उद्धव जब ब्रज में आए उन्होंने भी यही प्रार्थना की, वृंदावन में कोई पेड़ पौधा गुलम लता रूप में जन्म हो, बोले क्यों, बोले गोपियां जब चल करके जाएगी अगर घास बने रहेंगे ना उनके चरण की धूल में चरण की धूल प्राप्त होगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन कृष्ण सोच रहे हैं, जब कृष्ण मैया की स्तनपान करते हैं, मैया जब लाला को मक्खन खिलाती है, ब्रज में जितने गोपियां हैं ना इनकी मन में भी तरस है, क्या कन्या कभी हमारे घर में आएंगे, हम भी कन्या काना को गोद में बैठा करके हम भी मक्खन खिलाएंगे, हम भी उनको दूध पिलाएंगे। भगवान भक्त वत्सल है, सबकी इच्छा ठाकुर पूरी करते हैं। एक दिन कृष्ण सखाओं को बुलाए, बोले सखाओं हम एक नया खेल खेलेंगे, बोले भैया कौन सा नया खेल, बच्चों को बोला ना नया खेल खुश हो जाते हैं, बोले तो रोज तो एक ही खेल खेलते, भैया नया कौन सा खेल है, बोले हम घर घर में जाकर के ना मक्खन चोरी करे कंथरा चोरी, बोले पैसा रुपया पैसा थोड़ी चोरी करेंगे, हम खाने पीने का चीज चोरी करते हैं। बोले पकड़े गए तो, बोले चिंता क्यों करते हो, मेरे पास में एक मंत्र है, ये मंत्र बोल करके आप किसी घर में जाओ कुछ चीज भी उठा लो कोई पकड़ नहीं पाएंगे। कहते ना ये बैग में एक मंत्र है, हैं कहते काफल्यम चौरा गच्छन्ति सफला, ऐसे एक श्लोक है, हैं उसमें एक श्लोक लिखा हुआ, वो श्लोक में लिखा हुआ एक कफल्य नाम का ऋषि है, अगर इनकी नाम को लेकर कहीं जाओ ना कोई पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन तभी नहीं पकड़ पाएंगे अगर कृष्ण तुम्हारे साथ में हो, नहीं तो पकड़ा जाओगे। इसलिए अभी कृष्ण सोचा अपना घर में मन चोरी करके देख लो, अपना घर में अगर सक्सेसफुल हो गया ना फिर दूसरे घर में पकड़ में नहीं आऊंगा। एक दिन मैया की नजर को बचाते हुए अपना घर में मक्खन चोरी कर रहे थे, लेकिन भगवान के घर है ना फिर जवाहरात से बड़ा हुआ,
जो पिलर मणि से बनी हुई है, वो लाइट ही नहीं, एक मणि रख ले वो लाइट की जरूरत नहीं, अपने आप उससे लाइट निकलती है। कृष्ण जब मक्खन चोरी कर रहे थे, अभी इनकी जो परछाई पड़ा किसको ऊपर में, मणि स्तंभ के ऊपर परछाई पड़ा। कृष्ण तो अभी 3 साल 2.5 साल के, अभी उनको पता नहीं परछाई भी कोई चीज हुआ करता है। कृष्ण परछाई देख करके सोचे, जैसे मैं मक्खन चोरी कर रहा हूँ, मेरे घर में मेरे जैसे और भी एक आकर के मक्खन चोरी कर रहा है। बोले ये तो देख लिया, भैया को बोल देगा, इसलिए चोर चोर मौसरे भाई, इसको कुछ खिलाओ और खा लो, फिर दोस्त बन जाएगा। बोले भैया तू भी मक्खन खा, मैं भी खाता हूँ, भैया से बोलना नहीं। परछाई भी वही बोला, तू खा मैं खाता हूँ, भैया को नहीं बोलना। कृष्ण बोले तू मेरे घर में आकर मेरे को बोल रहे हो, परछाई भी वही बोला। कृष्ण तो परछाई से लड़ाई शुरू कर दी। भैया पास घर में काम कर रही थी, बोले लाला किससे लड़ाई कर रहा है, घर में तो कोई नहीं, और चुपकी से आकर के देखा परछाई से लड़ाई कर रहा है। इतने में भैया बोले लाला लड़ाई किससे कर रहे हो, बोले भैया भैया भी देख लिया, छलांग लगाए और उनने पिलर को पकड़ लिया। बोले भैया भैया घर में एक चोर घुसा आया है। बोले कहां पर, बोले इसका अंदर में। बोले देखो कितने भोले वाला है, वो परछाई को कहते इसका अंदर में। बोले ये बताओ घर में तो चोर घुसा आयो, लेकिन तेरे हाथों में मक्खन कैसे आया। बोले भैया ये भी सच है। बोले भैया तुमने ये कंगन पहना दिया ना मणि के, ये हाथ गर्म हो गया था, मक्खन में ठंडा कर रहा था। बोले मक्खन में ठंडा हाथ को कर रहा था, लेकिन तेरे मुंह में कैसे मक्खन आ गया। बोले भैया ये भी सही है। बोले भैया मुंह में चिट्ठी चल रहा था, और चिट्ठी को हटाने के लिए गया तो माही मक्खन लग गई। मैया बोले लाला तुम मेरा अकेला लाला, जो कुछ बनाती हो तेरे लिए, सो चोरी करने का क्या जरूरत है। कृष्ण ने देखा जीवन में पहला बार चोरी किया से पकड़ा गया, लगता है जिंदगी भर पकड़ा गया हमको। ऐसे ही कृष्ण जब मक्खन चोरी करते हैं ना, बड़े सावधान से चोरी करते हैं, कोई पकड़े नहीं पाए। गोपियों ने सोचा ये किसी तरह से पकड़ में नहीं आता। बोले एक काम करो, ये छिके के ऊपर में एक बेल लटका दो, क्योंकि ये कब चोरी करके कब भाग जाता पता ही नहीं चलता, और चोरी करेगा तो अपने आप बेल बजेगी, फिर पता चलेगा। बेल लटका दी। कृष्ण आकर देख करके तो समझ गए भैया ये कोई फांद रचाया मेरे को पकड़ने के लिए। कृष्ण ने बैल से पूछा भैया तू कौन है। बोले मैं आपका सेवक हूँ। बोले मैं कौन हूँ। बोले आप मेरे प्रभु हो। बोले बताओ सेवक का प्रभु का प्रति क्या कर्तव्य। बोले आदेश पालन करना। बोले देख बैल जब तक मैं मक्खन चोरी करूंगा तब तक बजना नहीं, जब मैं चोरी करके चले जाऊ ना फिर बजना। बोले ठीक है प्रभु कोई बात नहीं। कृष्ण मक्खन चार बटकी उतारे और जब खाने लग गया ना बेल अपने आप बज उठी। बोले क्यों बज रहे हो, मना तुमने की थी ना। बोले प्रभु घंटी बजे बगैर आपका भोग नहीं लगता है। हाँ भोग जब लगाता ना घंटी बजाते ना। बोले घंटी बजेगी तभी तो भोग लगेगी ना, इसलिए कृष्ण तो जल्दी जल्दी मक्खन खाए, 9-10-11 हो गए कृष्ण। ऐसे ही एक गोपी रोज शिकायत करती लेकिन मैया मानती नहीं। बोले रंगे हाथों से पकड़ा करके दिखा दे फिर मैं मानूंगी। इतने में गोपी बोली ठीक है मैं कल दिखा दूंगी रंगे हाथों से। इतने में वो गोपी गई थी यमुना में पानी भरने के लिए, जब पानी भर के आए ना देखा घर में बैठी करके कृष्ण मक्खन खा रहे। बोले आज तो मैया को बुला करके मैं दिखाऊंगी। मैया मानती नहीं, उन्हें झट दरवाजे को बंद कर दिया, घर में ताला लगा कर चाबी काठी लेकर गई। जब गई देखा कृष्ण घर में कुछ नटखट कर रहे थे, मैया तो उखल में कन्या को बांध करके रखा। बोले ये क्या, मैं तो कृष्ण को घर में बंद करके ताल चाबी काठी लेकर के आई, कृष्ण यहाँ बंधे पड़े कैसे, क्या ब्रज में दो दो कृष्ण हो गए। अभी ये आश्चर्य बात दूसरे गोपी को बोलने के लिए गई, देखा तो दूसरे घर में कृष्ण को गोपी कृष्ण को गोद में बैठा कर मक्खन खिला रही है। बोले क्या एक कृष्ण तो वहां और एक कृष्ण यहाँ और एक कृष्ण यहाँ, क्या ब्रज में तीन तीन हो गए कृष्ण। उन्हें जब तीसरे घर में गए देखा कृष्ण को बच्चे को साथ में खेलते हुए। अभी कृष्ण वो गोपी जिस घर में जाती है उसी घर में कृष्ण को अलग अलग लीला करते हुए देखा। इतने में देख करके कृष्ण कहती बोले गोपी तू ये मत समझो मैं केवल तेरे घर में ही मक्खन चोरी करता हूँ, ये जितना ब्रज है गोपियां है ना मैं घर घर में जाता हूँ, क्यों ये मेरे को बड़े प्रेम से बुलाती है। बोले आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल आयो गोपाल दर्शन के प्यासी
गुजरिया श्याम आज मेरे अंगना में आयो मैंने ही मां कर खायो तो न भैया मोरी मैंने ही मां कर खायो तो न भैया मोरी मैंने ही मां कर खायो तो न भैया मोरी मैंने ही मां कर खायो तो न भैया मोरी मैंने ही मां कर खायो तो न भैया मोरी मैंने ही मां कर खायो तो न भैया मोरी मैंने ही मां कर खायो तो न भैया मोरी मैंने ही मां कर खायो तो न भैया मोरी मैंने ही मां कर खायो तो न भैया मोरी मैंने ही मां कर खायो तो न भैया मोरी मैंने ही मां कर खायो तो न भैया मोरी मैंने ही मां कर खायो तो न भैया मोरी मैंने ही मां कर खायो तो न भैया मोरी मैंने ही मां कर खायो तो न भैया मोरी मैंने ही मां कर खायो तो न भैया मोरी मैंने ही मां कर खायो तो न भैया मोरी मैंने ही मां कर ख
अपना दिव्य नेत्र से उन्होंने ये लीलाओं को देख रहे, लीला को देख करके ये सूरदास जी ये भजन को गाए हैं। बोले भैया मैंने मक्खन नहीं खाए। बोले कई सुधा नहीं जा करते। बोले भोर भयो गई अन्न को पाचे मधुबन मई पटा। बोले हाँ। बोले चार ही प्रहर बंसी बैठ भट्ट को सांझ पड़े घर आयो। बोले हाँ। बोले रात दिन भर गैया चराया, शाम को आया और रात भर तेरे गोद में सोया था कि नहीं पता, तेरे गोद में रात भर सोया था कि? बोले हाँ। बोले दिन भर गैया चराया, रात भर तेरे गोद में सोया। बोले बता फिर मखन मैंने कब चोरी किया? इसलिए कहते मैं बालक बैयन को छोटो। बोले इतने समय बालक हूँ, 3 साल के बालक हूँ। बोले भैया काई विधि छिखे पायो, मेरे हाथ इतने ऊपर में कैसे गया? भैया बोले तेरे मुंह में जो मक्खन लगा हुआ रहता है। बोले भैया क्या बताऊं, कि जो सखा लोग बड़ी दुष्ट है, खुद तो मक्खन चोरी करके खाते हैं और मेरे को मुंह में बरबस जोर जबरदस्ती मेरे मुंह में ये मक्खन लगा देते हैं। भैया मेरे को ये चोर बना देते हैं। लगता है भैया मैं तेरे लाला है ही नहीं, किसने मेरे को जन्म दे करके मेरे को कोई फेंक करके गई थी और तू वहां से उठा करके लाई और तू मेरे को लालन पालन कर रही है, क्योंकि सारा दुनिया मेरे को चोर कहता, तू भी मेरे को चोर कहता, मैं तेरे लाला नहीं। इतना बोलते ही मैया के हृदय तो पिघल गया। इतने में मैया कृष्ण को गोद में भर लेती है, कहते लाला तेने मक्खन नहीं चोरी की, तुमने नहीं चोरी की। कृष्ण क्या कर फिर बदला देते हैं। बोले मैया मोरी मैंने ही मान खायो, तो सुन मैया मोरी मैंने ही मान खायो। अब फिर आ गया क्या जाओ, कृष्ण ने जगह खराब हुआ एकदम आ गया और थोड़ा कोई खिसक नहीं रहे, सब बर्फ जल जमा है और थोड़ा एकदम और एकदम और एकदम आ जाओ एकदम पूरा 5 मिनट सफेद कर बैठ गया। बोले श्री मखन चोर भगवान की जय, जय श्री राधे जय, जय श्री राधे जय, जय श्री राधे हरे कृष्ण। हाँ देखो ध्यान देखो सुन, कृष्ण मक्खन क्यों चोरी करते थे? कभी ये मक्खन चोरी का तात्पर्य क्या है? बड़े सुंदर संतों ने बड़े सुंदर उदाहरण देते हैं, कहते इसका नाम है मक्खन। क्या नाम है? मक्खन। हाँ, मक मतलब होता है क्रोध और ना मतलब होता है नहीं। ठाकुर जी किस चीज को चोरी करते हैं? जिसमें क्रोध काम लोभ मोह जिसमें नहीं है। बोले ये काम क्रोध लोभ मोह कहाँ पर नहीं है? बोले संतों का हृदय, भक्तों की हृदय में ये काम क्रोध नहीं। बोले संतों में जगत में सबसे बड़े संत कौन है? बोले ये गोपियां। इनसे जैसे बड़ा दुनिया में भक्त जगत में कोई नहीं, जिनकी चरण धूलि ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद भी जिनकी चरण धूलि मांगते हैं। इनकी बात छोड़ दो, शंकर भी स्वयं जब रास हुई शंकर भी गोपी बन कर गए। देखना शंकर जी गोपी स्वर बन करके प्रभु का रास दर्शन करने के लिए गए, फिर शंकर क्यों गोपी बनी थी? ये गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं, ये पूर्व पूर्व जन्म में वेद के ऋषाएं ऋषि मुनि ये सब के सब कठोर तपस्या करके ये सब के सब ब्रज में गोपी बन करके आए। इसलिए कृष्ण मक्खन क्यों चोरी करते थे, कारण क्या है? बोले मक्खन चोरी नहीं, गोपियों के हृदय को चोरी, भक्तों को हृदय को चोरी करने जाते थे। विश्व ब्रह्मांड तो उन्हीं का, वो क्या चोरी करेंगे? चोरी कौन करता है? जिसके पास में अभाव हो ना। लेकिन सारा दुनिया का तो मालिक प्रभु, चोरी क्यों करेंगे? इसलिए उन्होंने एक सुंदर उदाहरण देकर समझाया, आप भी समझो अच्छे तरह से। आप लोग घर में कोई मक्खन बनाए हो? घर में कौन मक्खन बनाता है? कौन कौन घर में मक्खन बनाए? हाथ उठा, कोई मक्खन नहीं बनाए। देखो मक्खन कैसे बनता है, पहले दूध को लाओ, दूध को ला कर पहले गर्म करो, गर्म करते हैं। जब गर्म हो जाता है, बोले भैया गर्म मतलब क्या? जब किसकी हृदय में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जली, हमें ठाकुर कैसे मिले, ठाकुर जी कैसे मिले, ठाकुर जी कैसे मिले, यही दूध का गर्म करना उत्कंठा। जब हृदय में उत्कंठा आए फिर उसमें क्या होता है, दूध गर्म हो गया फिर उसमें जमन डालते हैं।
जमन अगर ज्यादा हो ना फिर खट्टा हो जाएगा, ठीक परिमाण होनी चाहिए। कहते भैया इसमें जमन किया, बोले जमन है जब किसकी हृदय में उत्कंठा जगे प्रभु प्राप्ति की, फिर भगवत इच्छा से उसको सद्गुरु की प्राप्ति होती है। जैसे श्री ध्रुव जी का नाम सुने होंगे, जब ध्रुव जी तपस्या करने के लिए गए, भगवान को पाने के लिए बड़ी उतावला हो गई। शेर को देखे ना, कहते आप क्या मेरे पद्म पलाश लोचन श्रीहरि, शेर को भी उन्होंने गले में लगा देते हैं, लेकिन शेर कुछ बोलता नहीं। क्यों? उसके हृदय में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता है। सर्प को देखो तो उसको भी गोद में ले ले, जिसको देखो उसको गोद में भर लेते हैं, लेकिन उसको कोई खाते ही नहीं। क्यों? उसका हृदय में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं। जब उन्हें उतावला हो गए प्रभु प्राप्ति के लिए वैकुंठ में, एक दिन मैया लक्ष्मी भगवान की चरण की सेवा कर रही थी, इतने में नारायण बड़ी चंचल हो पड़े। लक्ष्मी बोली, प्रभु लगता है आप बड़े चंचल हो। बोले लक्ष्मी, मेरा एक छोटा बच्चा 5 साल के ध्रुव नाम का बच्चा, वो मेरे को पाने के लिए बड़ा उतावला हो रहा है। बोले प्रभु जाओ ना उसको दर्शन दो। बोले देखो लक्ष्मी, मैं डायरेक्ट इसको दर्शन नहीं देता हूँ, क्योंकि अभी तक तो उसने गुरु ग्रहण नहीं किया है। मैं स्वयं बताया, प्रथम तो गुरु पूज्य ततश्चैव ममार्चनम, पहले मेरे संतों को पूजा करो, उसको बाद में फिर मेरी पूजा करनी चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काग लाग पाओ, बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताओ। अगर गुरु गोविंद दोनों खड़े हुए, पहले किसको प्रणाम करें? बोले गुरु जी। बोले क्यों? बोले ठाकुर का चरण हमें कौन दिखाते हैं? कौन दिखाते हैं? श्री गुरु जी दिखाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बिनो गुरु भवन तरल न कोई, जो बिरिंचि शंकर समोय। बोले ब्रह्मा शंकर जी जैसे बन जाए, अगर कोई सदगुरु नहीं करे तो वो मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। अभी उसने गुरु नहीं किया। देखो आपने छोटी सी कथा सुना था, कहते एक समय कोई एक संत किसी घर में कथा सुनाने के लिए गए। कथा सुनाते सुनाते बोले, देखो जो व्यक्ति ठाकुर जी का नाम लेते हैं ना, वो भव सागर से पार हो जाते हैं। उसको घर में पिंजरा में एक तोता रहता था, इतने में तोता बोल पड़ा, बोले बाबा ये सब झूठ बात क्यों बोलते हो, भगवान के नाम लेने से संसार से तर जाते हैं। बोले झूठ किया? बोले तू मेरे को देख ले, ये छोटा सा पिंजरा में मैं रहता हूँ, घर में जो कोई आते ना सबको राम राम, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, मैं सबको भगवान का नाम लेता हूँ बोलता हूँ, लेकिन अभी ये छोटा सा पिंजरा से मेरे को मुक्ति नहीं मिली, और तू तो बहुत बड़ी बात करते हो, ये भव सागर से पार हो जाते हैं, मेरे को ये चीज विश्वास नहीं। वो तो चुप हो गया, बोले तो सही बता रहा। अभी वो वापस आया, अपना गुरु जी को बताया, गुरु जी ऐसे ऐसे मैं कथा सुना रहा था, एक तोता ने हमें ऐसे ऐसे बात बताया। गुरु जी ने कहा, बेटा ठीक है, कल मैं तेरे साथ में चलना, तुम कथा बोलना, फिर मैं उसको उत्तर दूंगा। फिर दूसरे दिन फिर साधु कथा सुनाए, जो भगवान के नाम लेता है वो भवसागर से पार हो जाता है। फिर तोता दो बार बोल पड़ा, बोले बाबा ये झूठ बात क्यों बोलते हो, भगवान का नाम लेने से भवसागर से पार हो जाता है। इतने में जो उनकी गुरु जी बोले, बोले झूठ किया है? बोले आप मेरे को ही देख लो ना, मैं ये छोटा सा पिंजरा में रहता हूँ, जो आए उनका राम राम कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ, अभी तक एक छोटा सा पिंजरा से मेरे को मुक्ति नहीं मिली। बोले देख बेटा, इसलिए तेरे को मुक्ति नहीं मिली, तुमने किसी सदगुरु से नाम को ग्रहण नहीं किया, इसलिए ये पिंजरा से तेरे को मुक्ति नहीं मिली। बोले फिर आप ही मेरे को मंत्र दे दो। तो वो साधु था ना, उनको कहा फिर भगवान की मंत्र दिया, ठाकुर का नाम दिया, फिर उनको एक उपाय बताया। बोले देख बेटा, जब तक ये पिंजरा का अंदर में तू बैठ करके राम राम करोगे ना, तेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। बोले फिर आप बताओ। बोले जब ये कथा की विश्राम होगी, तुम एक नाटक रचना, तुम जैसे ये नाटक रचना जैसे मेरी प्राण छूट गई, जैसे मैंने मारा गया, फिर को फिर पिंजरा से निकालेंगे, फिर अर्थी ले जाएंगे, जब अर्थी ले जाएंगे ना, फिर फर कर दूरिया। बोले भैया बढ़िया मंत्र तुमने दिया। जब कथा की विश्राम हो गई, इतने में उसने नाटक क्या जैसे प्राण छोड़ दिए। लोग बोले भैया ये तोता तो बड़े पुण्यात्मा, क्यों भागवत कथा सुनते सुनते उसने प्राण त्याग दिया। बोले चलो इसके अर्थी निकाल के, अर्थी सजाया, उसको अंदर से निकाले, गले में फूलों की माला दी,
माला देकर के जब राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है लेकर जब ले जा रहे थे ना, इतने में जो तोता ना फर कर उड़ गया। इतने में गुरु जी ने पूछा, क्यों तोते? गुरु जी से नाम लेने से मुक्ति मिलती कि नहीं? बोले हाँ, गुरु जी से नाम लेने से मुक्ति मिलती, अभी मेरे को विश्वास हुई। इसलिए यहाँ पर नारायण स्वयं कहते हैं, अभी उसने गुरु जी नहीं किए, फिर श्री नारद जी को भेजे। नारद ने ठोक पीट कर उसको परीक्षा किए, सचमुच से किया भगवान को पाना चाहते हैं। जब उनके हृदय में दृढ़ विश्वास को देखा, फिर उन्होंने मंत्र दिया, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। फिर मंत्र दिए, ऐसे मंत्र दिए मंत्र उन्होंने, जब उन्होंने मंत्र को सही सही जप की, स्वयं वैकुंठ से भगवान स्वयं उतर करके आए और उन्होंने ध्रुव जी को दर्शन दिया। श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहते उसमें जमन डालो, जब जमन डालोगे क्या होगा? फिर उसमें दही जम गई, जब दही जम गई फिर क्या करो? बोले उसका मंथन करो, उसको मंथन करो। बोले भैया मंथन कर का मतलब क्या है? गुरु जी से तो माला लिए, गुरु जी से मंत्र लिए, लेकिन अगर मंत्र को जप नहीं करेंगे, माला जप नहीं करेंगे, फिर क्या भगवान मिल जाएंगे? नहीं। जैसे आप टिकट बनाया जाने के लिए बम्बे, लेकिन अगर टिकट को अगर पकेट में रख लोगे, क्या तुम बम्बे चले जाओगे? फिर क्या करना पड़ेगा? आपको रेलवे स्टेशन में जाना पड़ेगा, अपना कोच नंबर देख करके अपना सीट में बैठोगे, फिर वो ट्रेन लेकर के बम्बे पहुंचा देगी। अगर पकेट में रख लोगे तो भजन नहीं पहुंच जाओगे। इसलिए क्या करनी चाहिए? बोले उसका मंथन करो। बोले मंथन मतलब जब गुरु जी से मंत्र दिए हो, उसको तीन टाइम गुरु मंत्र को जप करनी चाहिए। और गुरुदेव ने जो माला हमें दिया है, ये माला में ठाकुर जी की नाम लेना पड़ेगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। का जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैंने तुमको ये नाम दिया है, अब ये नाम कितना ना हरि से बड़ा हरि का नाम है, अब ये नाम को तुम नियमित पूर्वक जप करो। कैसे नहीं, एक दिन जप किया, दो दिन किया, तीन दिन जाके था माला लटक रहा है और चूहे उसमें घोसला बना दिया, नहीं ऐसे नहीं। माला को जब गुरु जी से माला लेते हैं ना, गुरु जी माला नहीं, माला रूप में ठाकुर जी आए, ठाकुर जी माला रूप में ठाकुर जी आए। इसलिए माला को हमें ठीक ठीक से माला को जप करनी चाहिए, माला कभी भूखा नहीं जानी चाहिए। भूखा मतलब है, अगर एक दिन हमने माला जप नहीं की, मतलब है ठाकुर जी आप दिन भर भूखे रहे, ठाकुर जी खाना नहीं खाए, ठाकुर जी कपड़ा नहीं बदलाए, ठाकुर जी सोए नहीं है, क्योंकि माला रूप में ठाकुर जी हमारे पास में ठाकुर जी स्वयं आए हैं। इसलिए माला को कभी भूखा नहीं जाने देनी चाहिए, खाने से पहले थोड़ी सी माला जप करके ही खाना खाओ। हमारे संप्रदाय में तो ऐसे ऐसे संत हुए, हमारे जो बड़े गुरु जी थे ना, हमारे जो ये गुरु जी जब तक 100,000 नाम नहीं करते ना, तब तक भोजन नहीं करते। पहले 9 बजे के अंदर में 100,000 माला पूरी करेंगे, तभी उन्होंने जा करके नाश्ता लेते थे। इसलिए भगवान के नाम को आप भी लेकर के देखो, जीवन का जितने दुख कष्ट दूर हो जाएगा, जगत में तुम्हारी नाम जय जयकार होगा। क्यों? गुरु जी का नाम जगत में, विश्व ब्रह्मांड में उनका नाम क्यों? कारण है ठाकुर जी का नाम ली। हनुमान जी को इतने क्यों पूजा करते हैं? कारण क्या? दिन भर भगवान की नाम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। शंकर जी की इतनी पूजा क्यों होती है? गोस्वामी जी कहते हैं, महामंत्र जय जपत महेशा काशी मुक्ति हेतु बदेशा, दिन रात शंकर जी पंचम के राम नाम गान त्रिपुरारी। दिन रात शंकर जी प्रभु का नाम जप करते हैं, देवी की क्यों पूजा हो रही है? गोस्वामी जी कहते हैं, सहस नाम सुनि प्रिय वाणी, जपी जय संग प्रिय भवानी।
इसलिए भगवानी शंकर जी कितने प्रिय है, वो भगवान के नाम जप करते इसलिए शंकर जी का प्रिय है। गणेश जी की पहला पूजा क्यों होती है, कहते महिमा जासु जान गणराउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। केवल नाम की प्रभाव से जगत की सबका पूजा। मीरा का नाम क्यों लेते हैं, ध्रुव प्रहलाद का नाम क्यों लेते हैं, कारण है जगत में उन्होंने ठाकुर जी की भजन ठाकुर का नाम जप किया तब भी जगत में जय जयकार हुआ। अगर हम भी ठाकुर का नाम लेंगे ना, देखना तुम्हारी नाम भी जगत में, तुम्हारी नाम भी जगत में अजर अमर तुम्हारी नाम भी हो जाएगी। इसलिए हमें ठाकुर का नाम को नियमित पूर्वक जप करेंगे एक दिन। इसलिए कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। इसलिए विजया कहती है नामी को चिंता रहती है नाम ना हो बदनाम। अगर ठाकुर का नाम कोई लेना भगवान को चिंता रहती, भैया मेरे नाम बदनाम नहीं होनी चाहिए, मेरे नाम बदनामी क्योंकि मेरे नाम का जप कर रहा है इसलिए मेरे को रक्षा करना पड़ेगा। इसलिए भगवान को जीवन में दो बार जलती मची, भगवान को जीवन में दो बार जलती मची। बोले कब कब, बोले एक द्रौपदी के वस्त्र हरने का समय में और दूसरे में जिस समय एक हाथी को मगरमच्छ पकड़ा था, जिस समय मगरमच्छ हाथी को पकड़ते हुए खींचते हुए ले जा रहा था, जब उसका मुंह डूबने लग गया उसने कमल फूल लेकर के ठाकुर जी को बुलाया, भगवान नारा अभी यण नहीं बोले तो बोले नारा बोलते ही चक्र आकर के मगरमच्छ को उसने काट दी है। और द्रौपदी ने जब भगवान को दोनों हाथ उठा करके हे गोविंद राख शरण अब तक जीवन हरी, भगवान स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। लेकिन केवल हमें बुलाने का देर है, ठाकुर आने में देर नहीं करते हैं। इसलिए कोई कोई संत कहते हैं ये कृष्ण बैठे नहीं क्यों, दिन भर खड़े क्यों हैं, जानते हो कृष्ण ये खड़े राधा रानी खड़े क्यों, आप लोग बैठे ना खड़े हो, बैठे हो ना, मैं क्या कह रहा हूँ बैठा ना खड़ा हो, खड़े रहोगे तो प्यार दर्द नहीं हो जाएगा, अब तो बैठ करके ज्यादा दिन समय रख खड़े होकर रह सकते हो नहीं, लेकिन ठाकुर जी खड़े क्यों हैं जानते हो क्यों खड़े किए, इसलिए ठाकुर जी खड़े हैं। अगर मेरे भक्त अगर कोई पुकारेगा, अगर बैठा हुआ रहेगा ना खड़े होने के लिए तो समय लगेगा ना, इसलिए अगर खड़ा हुआ होगा तो मेरे भक्त बोलते ही बस दौड़ता, भक्त बोलते ही मैं दौड़ पड़ूंगा। इसलिए ठाकुर जी नहीं बैठ करके ठाकुर जी खड़े हुए हैं, केवल भक्तों को रक्षा करने के लिए ठाकुर जी खड़े हैं। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसलिए दही जम गया है, अब इसका मंथन करो, मंथन मतलब साधन, जब साधन करोगे ना मंथन क्या होगा, एक तरफ में मक्खन दूसरे तरफ में छाछ, ये मक्खन क्या, बोले प्रेम, मक्खन प्रेम है और छाछ दूसरे तरफ में छाछ, कहते ये प्रेम मतलब होता है मक्खन है भैया मक्खन। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं, बोले संत हृदय न बनी तसमाना, संत हृदय न बनी हृदय को प्रभु चोरी करने के लिए जाते थे, उन्होंने मक्खन चोरी नहीं, उनके हृदय की
चोरी करने के लिए प्रभु जाते थे। यही मक्खन चोरी का तात्पर्य है। बोले श्री मक्खन चोर भगवान की। जोर से देखा लगा। बोले श्री मक्खन चोर भगवान की जय जय श्री राम। देखो हमारे बीच में एक हमारे बड़े गुरु, एक गुरु भाई हमारी है, हमारे बड़े गुरु जी का शिष्य, वो भी अपना परिवारों को साथ में भगवान की भक्ति करते हैं। आज वो थोड़ी सी आपको कथा सुनाएंगे। हम घर में रहते हुए हम कैसे ठाकुर का भजन करें, घर में रहे बच्चों को साथ में रहे घर का सारे काम धाम बढ़िया से करें, लेकिन घर में रह करके हम प्रभु की हम भक्ति कैसे करें, जो कि घर में बैठ बैठ करके हमारी मुक्ति घर में बैठ बैठ कर हो जाए। इसलिए हमारे श्री तमाल प्रभु जी कुछ बोलेंगे। हम प्रभु जी इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। ये प्रभु जी मैंने अपना घर को सत्संग भवन बनाया। नीचे उनकी करीब 125 गज के इनके मकान है। इनकी दो बेटी एक बेटा है, वो सब बेटियां भी भक्ति करती है। इनकी दो बेटी को बता रहे थे, दो बेटी जब शादी होकर के अपना ससुर घर में गए, वो नौ भाई थे। वो एक बेटी वहां पर गई अपना ससुर घर में, उन्होंने नौ भाइयों को उन्होंने बदला दिया। प्रभु जी बता रहे थे नौ भाइयों को उन्होंने, एक बेटी गई नौ भाई उसने बदला दिया। उसने पूरा अभी उनके नए के नए भाई हरिनाम करते हैं और उनको पास में इस्कॉन का कोई मंदिर है। अभी उनका जब वो घर में बच्चों को छोड़ने के लिए जाते हैं, वो बच्चों को पहले इस्कॉन मंदिर में ले जाते हैं, ठाकुर को प्रणाम करवाते हैं, फिर बच्चों को लेकर भी स्कूल जाते हैं। पहले सब खाते थे, सब पीते थे, अभी सबके सब भाइयों ने मांस मछली शराब पीना सबके सब छोड़ दिए और सबके सब वेजिटेरियन बन गए। और पूरा पूरा एक बेटी गई तो पूरा परिवार बदल गया उसका पूरा परिवार। इसलिए प्रभु जी ने अपना घर में, प्रभु जी बता रहे थे उन्होंने नीचे का जो फ्लोर को उन्होंने सत्संग भवन बना दिया और उसमें ठाकुर जी के लिए रोसे घर बना दिया। अगर कोई संत आए निवास करे, कभी प्रभु यहाँ पर कथा करते हैं, बीच बीच में भगवद गीता कभी भागवत कथा प्रभु स्वयं करते हैं और ऊपर फ्लोर में अपना रहने का व्यवस्था की और घर को उन्होंने सत्संग भवन बनाया। इसलिए आप लोग भी अपना घर को सत्संग भवन बनाओ, हैं दूसरे के लिए नहीं हो लेकिन कम से कम अपना लिए बनाओ, ठीक है ना। देखो पहले तो आप लोग को सुख मिलेगा। मैंने आज एक माता जी मेरे पास में आई थी, माता जी आई तो देखा वो विधवा। मैंने कहा भैया आप विधवा क्यों हो? बोले पति मर गए। बोले कितने उम्र में? बोले 50 साल में मर गए। बोले 50 साल में? बोले मैंने कहा कैसे? बोले किडनी, दोनों किडनी खराब हो गया था, हाड़ खराब, लीवर सब खराब हो गया। बोले 50 साल में खराब हो गया? बोले वो पीते थे सिगरेट फूंकते थे, सारे गंदे काम करते थे, इसलिए 50 साल उम्र में खत्म हो गए। देखो अगर हम भक्ति नहीं करेंगे ना, हमारे बच्चे भी यही करेंगे, हमारा पति भी यही करेंगे। इतने माहौल इतने खराब अभी है। किसी शादी में जाकर हम कोई बात कर रहे थे किसी माता जी से, उन्होंने बेटा को शादी करा रहे बेटी को शादी को, उन्होंने बोले हम इतने पैसा देंगे। बोले नहीं इतना पैसा जरूरत नहीं, इतने बोले 70 लाख की गाड़ी देंगे। बोले इतना पैसा कि नहीं, आधा पैसा की गाड़ी दो, लेकिन विदेशी शराब आप इतने पिलाओ जैसे सबको स्नान कर लो। मतलब ये अगर आप शादी में अगर मांस नहीं खिलाओगे शराब नहीं पिलाओगे, बोले ये कौन सा शादी हुई? लेकिन संत कहते नहीं, ये गंदा काम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संतों का कहना आपको बुरी लगेगी। वो संत कहते थे जिस विवाह में जिस बच्चे का बर्थडे में तुमने इतने बोतल तोड़वाते हो, इतने जानवर को मारते हो, कभी वो शादी कल्याण नहीं होगा। उसका उम्र जितना होगा ना आधा उतर कर झट आ जाएगा, है। इसलिए जो कुछ करो लेकिन सत्संग में अगर करवाओगे ना, फिर देखो यहाँ पर हमारे जब शादी हुई, देखो आपके एक उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ पर जो कल जो नवीन प्रभु कथा कर रहे थे ना, वो कहाँ गया नवीन प्रभु जी जो कथा, देखो इनको देखो खड़े हो जाओ। देखो इनकी पत्नी जो गौर प्रिया यहाँ जो बैठी हुई, देखो इनकी पत्नी यहाँ पर बैठी हुई है, डॉक्टर है, फिजियोथेरेपी का डॉक्टर। इनकी जब शादी हुई सब भक्त लोग को बुलाया, कोई उल्टा पुल्टा गाना नहीं, पूरा प्योर वेजिटेरियन, प्याज लहसुन तक भी वहां पर नहीं था, प्याज लहसुन तक भी वहां पर नहीं थी, वहां पर संपूर्ण रूप में वेजिटेरियन। और जो कुछ उन्होंने बहुत बड़ी शादी हुई, इसलिए उन्होंने सब कुछ ठाकुर को भोग लगाया, संतों को बुलाए, कीर्तन किया और उसमें शादी उनको की है।
इसलिए अगर हम संतों के साथ में जुड़ेंगे ना, फिर देखना आप घर में शांति सुख बनी रहेगी, नहीं तो बच्चे सारे बिगड़ेंगे। जैसे अभी बिगड़ते हैं घर, नहीं नरक बना देंगे घर को। लेकिन अगर संतों के साथ में जुड़ोगे तुम्हारी घर भगवान की धाम बनी रहेगी, वैकुंठ धाम वृंदावन बनी रहेगी, ठीक है ना। लेकिन कैसे होगा, इसलिए संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, किस्मत जगेगी तेरी बिगड़ी हाँ बिगड़ी नष्ट हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए यदि अपना घर संसार कर रहे हैं, बेटा है दो बेटी है, सबके सब बड़े गुरु जी के शिष्य है, हाँ हाँ तीन बेटी इनके है, प्रभु जी आप क्या काम करते हो, क्या करते हो, इनका अपना बिजनेस है, इनके अपनी इनके बिजनेस है, इनकी पत्नी पीछे बैठी हुई, ये भी गुरु जी की शिष्य है। इसलिए आपको बताएंगे आप घर में रहते हुए कैसे ठाकुर का भजन करें, हमारे घर में भगवान का धाम कैसे बने, घर में शांति सुख घर में रहो, घर में शांति सुख कैसे घर में। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले पूज्यपाद श्रीधर महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत, बड़ी कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, और विशेष बात कोई भी अयोग्य व्यक्ति योग्य कैसे बनता है ये तो सब जानते हैं, योग्य तो कोई भी नहीं होता, पैदा कोई भी नहीं होता ना योग्य, योग्यताएं कहां से आते हैं, कुछ माता पिता संस्कार देते हैं, कुछ स्कूल में जाके अध्यापक गण देते हैं, और जो विशेष रूप से इस संसार से किस प्रकार वैराग्य हो जाए, किस प्रकार इस संसार का आवागमन, किस प्रकार इस संसार के दुखों को महसूस करना जीव समझ जाए, वो कौन समझा सकता है, वो ये साधु बोल सकता है। इनको क्या चाहिए मेरे को ये बताओ सबसे पहले तो, इनको कोई अपेक्षा है आपसे कि मेरे पीछे परिवार है, उसका लालन पालन कैसे होगा, उसकी गाड़ी कैसे चलेगी, उसका कोठी कैसे बनेगी, बच्चों की नौकरी कैसे लगेगी, बच्चों का है कोई अपेक्षा, अपेक्षाएं हमारे साथ हमारे जीवन में किस कारण से हैं, कि हमारा परिवार है वो कैसे चलेगा, बच्चे कैसे अच्छे सुख से रहें, हम कैसे सुखी रहें, हम कैसे इस संसार में अच्छे से चले, है ना। इसलिए हमें अपेक्षाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं। लेकिन जिन्होंने अपनी सारी इच्छाएं त्याग दी, सारी अपेक्षाएं अपनी छोड़ दी, हमारे बीच में आके बैठे हैं, नगर नगर घूमते हैं, विदेशों में जाते हैं, भ्रमण करते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं, कष्ट है ना जीवन में, उसके पीछे अब इच्छा क्या है, कुछ उसके पीछे कारण क्या है, कोई अपेक्षा तो है नहीं, कोई इच्छा है नहीं, मात्र एक करुणा है, एक दया इनके मन में है जो भक्त के मन में होती है। क्यों, भगवान जो है वो करुणा वाला है, भगवान करुणामय है, उनके भक्त भी करुणामय है, दयामय है, इनके मन में भी ये करुणा आती है कि ये जीव जो है ये इस संसार रूपी मल में जो है क्यों गोते खा रहा है, इसमें से कैसे निकल आए, ये इनके मन में ऐसी इच्छा, तो भगवान के मन में भी यही इच्छा है ना, ये सारे मेरे जीव मेरे पास आ जाए, मेरी सेवा करें, जिसके लिए मैंने इनको बनाया, ये भोग जीवन के छोड़ के, ये इच्छाएं छोड़ के ये मेरे पास आ जाएं, यही इच्छा इन साधुओं की है कि भाई किसमें पड़े हो, किसमें सुख ढूंढ रहे हो, ये सुख तो इसमें है नहीं जिसमें ढूंढ रहे हो, क्योंकि जड़ को जड़ से सुख मिल सकता है, इस शरीर को, क्योंकि शरीर जड़ है, इसको शरीर जड़ रूपी संसार से सुख मिल सकता है, लेकिन आत्मा जो नित्य है उसको इस जड़ वस्तु से सुख मिलने वाला नहीं है, तो ये साधु लोग जानते हैं, इसलिए दया करते हैं, दया करके इस संसार में घूमते हैं, जगह जगह सबको
प्रेम बांटने के लिए कि वो असल प्रेम जो है वो अलग चीज है, वो आत्मा का परमात्मा के साथ हो सकता है, वो आत्मा का भगवान के साथ हो सकता है, अन्यथा कहीं पे भी वो प्रेम नहीं है। सब व्यापार है, सब झूठ है, किसमें फंसे हुए हो, कैसे जो है तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यही संदेश गुरुदेव, यही संदेश ये साधु लोग, यही संदेश ये संत लोग, इनकी कोई अपेक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा कि सभी, मैं जिस आनंद में हूं वो आनंद सभी क्यों ना दे, जो आनंद मैंने देखा वो आनंद सबको क्यों ना मिले। आप लोग जाते हैं मार्केट में जाते हैं, एक प्रैक्टिकल, एक बड़ा गंदा सा उदाहरण कह लो, कुछ खा के आते हैं कहीं से, उसका गुणगान करते हैं कि नहीं? तो वो भल्ले पापड़ी वाला वहां खड़ा, उसके वहां गए थे, अच्छा वहां छोले भटूरे बड़े अच्छे, वहां गए थे, अच्छा वहां आपको ये चीज अच्छी मिल जाएगी, फलां ज्वेलरी पे आपको ये बड़ा डिजाइन आया, वहां साड़ी वाली दुकान पे है, इसका प्रचार कौन कर पाया है ना? जो वहां गया, जिसने अनुभव किया, जिसने टेस्ट किया, उसको वो गाता फिरता है, अरे तुझे किसी ने पूछा कि वहां भल्ले अच्छे मिलते हैं कि नहीं मिलते, बताते हैं कि नहीं बताते? क्यों? मेरे को अच्छे लगे, भाई तुम भी खा के देखना, तुम्हें भी अच्छे लगे। लेकिन संत लोगों ने जिस लीला को, जिस रूप को, जिस गुण को सुना, समझा, अनुभव किया, आनंद आया, अब वो आनंद इनके अंदर एक आंदोलन उत्पन्न कर देता है कि इसको संसार में सब जीवों को दे दो, क्योंकि सभी जीव जो हैं इसके अधिकारी हैं, ये कैसे इस संसार में भले भटके पड़े। और इस आनंद को, इस करुणा को, इस दया को जो लोग झोली भर के अपने साथ ले जाते हैं ना, उनका कल्याण हो जाता है, हमारा हो गया, निश्चित रूप से कल्याण हो गया, अब कोई डर नहीं है, किसी चीज का खतरा नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने एक बार हाथ रख दिया सिर पे कि तू मेरा है, मेरे को अपना लिया, मैंने गुरु को नहीं अपनाया। लोग कहते हैं ना गुरुकरण करना चाहिए, गुरु को गुरु को ढूंढ के क्या कुछ कुछ बोलते हैं, पानी पियो छान के गुरु करो, जान के ये वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, गुरु सोच समझ के ठोक बजा के लेना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना। क्या हमारे अंदर ये सामर्थ्य है कि हम गुरु की परीक्षा कर सकते हैं कि गुरु कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कहां से ढूंढेंगे? है ऐसा संभव? इज इट पॉसिबल फॉर अस? एकमात्र हमारे बस की बात है वो ये कि हम ठाकुर जी से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं और मेरी इच्छा जो है वो आप तक आने की है, आपके पास पहुंचने की है, आपके चरणों का प्रेम पाने की मेरी इच्छा है, वो कैसे होगा इसकी व्यवस्था आप करें। जैसे भी महाराज बता रहे थे, ध्रुव महाराज निकले कि मेरे को भगवत प्राप्ति करनी है, क्योंकि उसकी मां ने उसको कहा कि भगवान जंगल में मिलेंगे, वो जंगल की ओर चल दिया। भक्त प्रहलाद को कहीं ये किसी ने कहा कि तू पहले गुरुकरण करियो फिर तेरे को भगवान मिलेंगे, नहीं कहा ना? मैया ने तो इतना ही बताया ना, मैया गुरु हो गई कि भगवान तेरे को मिलेंगे, भगवान तेरे को ये राज्य दे सकते हैं, इससे भी बड़ा राज्य दे सकते हैं, भगवान दे सकते हैं। और अब भगवान को टेंशन हो रही है कि मेरा भक्त जो है वो निकल तो आया घर से, लेकिन उसके पास गुरु नहीं है, मार्गदर्शक नहीं है उसके पास, तो भेजा ना, व्यवस्था किसने की? आइए भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, कोई ऐसा संत, कोई ऐसा साधु हमारे ऊपर भी कृपा करे, वो कृपा कर सकता है, और वो कृपा करने आया हमारे घर में, हमारे पास आया, और हम इग्नोर ना करें, तुरंत उस कृपा को ले लें, उसको झपट के ले लें, किसी भी मोल मिले वो कृपा दे रहे हैं, उसके लिए कोई भी मोल बड़ा सस्ता होगा। हम लोग, मैं देख रहा हूं कि सब लोग जो है, पहले यहां शनिवार को जो प्रोग्राम होता है उसमें मैक्सिमम लोग आते ही हैं। एक कथा हमने यहां शेयर की थी कि किस प्रकार गोबर में पड़ा हुआ कीड़ा जो है, ये मेरा अपना अनुभव कि मैं इस संसार में मग्न था,
कि हाँ यही है संसार, यही आनंद है, अच्छे बच्चे हों, अच्छे भाई। मैं गया वहां हरिद्वार, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, वहाँ प्रजापति, दक्ष प्रजापति के मंदिर के पीछे जो घाट है वहां स्नान करने लगे। तो महाराज वहां से एक पंडित जी थे, वो बोले कि यहाँ ये दक्षिणा देने से, ये स्नान करने से ये पुण्य अर्जित होता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है यहाँ पे। तो मेरा उसको उत्तर, अनजान अज्ञान क्या होता, मेरा उनको उत्तर कि महाराज हमको ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए। मैं कह ऐसे जो है माता पिता मिल जाए जैसे मिले मेरे को, ऐसे भाई मिल जाए जो मिले मेरे को, ऐसी पत्नी मिल जाए जो मिली मेरे को, ऐसे बच्चे मिल जाए जो मिले मेरे को, ऐसे बंधु सखा संगी साथी ऐसे मिल जाए जो मिले मेरे को, तो मुझे तो इसके अलावा और कुछ अच्छा लगता नहीं, मोक्ष में देखा नहीं, जानता नहीं, यही अगले जीवन में ऐसा ही मिल जाए तो वही काफी है। लेकिन अब पीछे जब मुड़ के देखते हैं, जब वो पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिसको ज्ञान चक्षु, जो अज्ञान रूपी अंधकार से गुरुदेव निकालते हैं और बताते हैं कि असल चीज क्या है जिसमें तू आनंदित हो रहा है, वो तो क्या है, नश्वर, नाशवान है, सब अभी रहने वाला नहीं, असल चीज क्या है वो जब बताते हैं, तो वो ज्ञान रूपी चक्षु जब खोलते हैं तो फिर बारंबार उनको प्रणाम करने की इच्छा होती है कि उन्होंने एक मार्गदर्शन जो किया उस गोबर में पड़े हुए कीड़े का, कैसे उसने हरि नाम के साथ प्रीत लगवा दी, कैसे उसने उस ठाकुर जी की कथा के साथ प्रीत लगवा दी, कि वो जो आनंद अब जीवन में आया वो वाकई इच्छा होती है कि जो है वो सब सबके हृदय में वैसा आनंद हो, सबके हृदय में वैसी ही इच्छा हो कि कैसे ये संसार जो है। महाराज दोनों छोटी सी कथा कह दू, ये गोबर में कीड़ा कुलबुल 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 कर रहा है और मधुमक्खी जो है ऊपर से जा रही है, देख के छिठक गई, ये कौन है, अरे भैया तुम कौन हो, बोले मैं कीड़ा हूं, कहां से आए हो, यहीं रहता हूं, यहीं पैदा हुआ हूं, क्या खाते हो, यही खाता हूं। इस कथा को बड़े ध्यान से अपने जीवन के साथ जोड़ देना कि हम भी इसी संसार में उत्पन्न हुए, इसी संसार को भोग करते हुए, इसी में विचरण करते हुए, इसी में आनंदित होकर, उसी प्रकार उस कीड़े के प्रकार हम जो है वो सोच रहे हैं कि हम तो बड़े सुखी हैं, भोग पूरा हो रहा, आनंद पूरा हो रहा, लेकिन वो जड़ानंद है, वो आध्यात्मिक आनंद, वो असली आनंद देखा नहीं। लेकिन मधुमक्खी से रहा नहीं गया, मधुमक्खी ने कहा कि तुमने कभी उस पराग का आस्वादन किया है जो उस फूल में होता है, उस शहद का आस्वादन किया है तुमने कभी, तो मैं तो जानता नहीं हूं, यहां से कभी निकला नहीं, मेरे को तो यही मालूम है कि ये मैं यहां रहता हूं, यही खाता हूं, इसी में पलता हूं, इसी में बड़ा होता हूं। अच्छा आओ तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें उसका आस्वादन कराता हूं, मैं तुम्हें उसका टेस्ट करवाता हूं, किसका, उस पराग का जो पुष्प के अंदर होता है। उस मधुमक्खी ने उस कीड़े को अपनी पीठ पे बिठाया और लाके एक फूल में छोड़ दिया। अब वो कीड़ा जो है उसका आस्वादन करने लगा और उसका धन्यवाद करने लगा कि मधुमक्खी ने कैसी कृपा की मेरे ऊपर कि मेरे को ऐसा रस, ऐसा मीठा स्वाद उसने दिखा दिया। अब पुजारी उठे सुबह, उन्होंने पुष्प चयन किया, पुष्प को तोड़ा और ले जाके ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया, अन्य पुष्पों के साथ बहुत सारे पुष्प, वहां वो पुष्प जो है वो कीड़ा भी कहां पहुंच गया, मंदिर में ठाकुर जी के सामने विग्रह के दर्शन कर रहा है, ठाकुर जी के दर्शन कर रहा है, कर रहा है आहा कैसी लीला है आपकी, मैं कहां था कहां आ गया, कैसी लीला है आपकी, कैसा आनंद है यहाँ, भक्तों ने कीर्तन शुरू कर दिया, हरे कृष्ण 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 कीर्तन हो रहा है, खूब गोविंद दामोदर माधवे, खूब कीर्तन हो रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कीर्तन सुनते सुनते आनंद में विभोर हो गया, मग्न हो गया। संध्या हुई, पुजारी जी ने फूल समेटे, ले जाके यमुना जी में डाल दिया। अब कीड़ा कहाँ पहुंच गया, यमुना जी, वही वो पुष्ट हो रहा है, उसमें बड़ा हो रहा है, फूल के अंदर ही यमुना जी में पड़ा पड़ा बड़ा होना शुरू हो गया।
लेकिन उसका ध्यान जो है वो ठाकुर जी का रूप निरंतर उसकी आंखों में बसा हुआ, कीर्तन उसके मन में हमेशा चलता हुआ, उस कीर्तन का स्मरण करता हुआ, उस ठाकुर जी के रूप का दर्शन करता हुआ थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया। कुछ दिन बीत गए, साइज बड़ा हो गया, सिर बाहर जैसे ही निकाला गरुड़ जी ने देखा कि आहा मेरा आहार, गरुड़ जी ने झपट्टा मारा, गर्दन से पकड़ा और उसके प्राण फेरु। लेकिन उसका चिंतन क्या था, वो स्वरूप नारायण स्वरूप है ना, वो चतुर्भुज रूप का स्मरण करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, उस कीर्तन का ध्यान करते हुए, वो आनंद में विभोर जैसे ही उसके प्राण छूटे। लेकिन भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अंत काल में जो जो स्मरण होता है, जैसा स्मरण होता है, शरीर छूटते ही वैसा ही रूप मिल जाता है, वैसा स्वरूप प्रदान करता हूं मैं। त्यजते अंत कलेवर, ये कलेवर छूटते ही वो वैसा ही स्वरूप प्राप्त होता है। अब वो जैसा ही उसका प्राण छूटा, उसको कैसा स्वरूप मिला, कैसा चिंतन था उसका, नारायण का चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया वहां पे। वो कीड़ा क्या बन गया है? उसको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई उस नाम के स्मरण से और उस रूप के स्मरण से। अंतकाल में उसको वो सारूप्य मुक्ति मिली। जैसे ही वो नारायण रूप में प्रकट हुआ, गरुड़ जी ने कहा ओहो भगवान आप कहां से आए, उन प्रणाम किया, उनकी प्रदक्षिणा की, उनको अपनी पीठ पे बिठाया और वैकुंठ में ले गया। वैकुंठ में पहुंच गया। अब इसकी इसमें जो है इस कथा में कृपा किसकी हुई उसके ऊपर, मधुमक्खी, ऐसी मधुमक्खी, ऐसा कोई संत हमारे जीवन में आ जाए जो हमें उस रस का आस्वादन करा दे, जो इस गोबर वाले हमारे जीवन को छुड़वा दे। हमारे जीवन में ऐसे संत आए, हमारे जीवन में ऐसे गुरु लोग आए और उन्हें कान पकड़ के कि अब तू चाहे कुछ भी कर ले, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे को मैं वहां तक पहुंचा के छोड़ूंगा। अब वो खुद भी अगर यहां से इस धरती से नित्य लीला में चले गए, लेकिन वो हमारे पास हमारे साथ इतने सारे संतों को छोड़ के गए कि जिसमें अब ये संभावना ही नहीं है कि कोई भी गुरुदेव का शिष्य जो है वो कहीं से फिसल जाए, कहीं से गिर जाए, कोई संभावना नहीं है। कोई संभावना जब तक आपकी छत्र छाया में आपका सानिध्य आपका अनुगत्य हम सब लोगों को प्राप्त होता रहे, तो कोई संभावना नहीं है कि हम में से कोई भी इस जगत में फिर लौट के आए या रह जाए। प्रयास हम सभी यही करें कि जो कुछ भी सुन के जाते हैं उसको छोड़ के ना जाएं, उसको अपने साथ लेके जाएं, उस पे मनन करें, उस पे अमल करने का प्रयास करें, क्योंकि हरि नाम जो है वही केवल हमारा उद्धार करने वाला है। केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। और ये सचमुच इस चीज का वो कोई ज्यादा विशेष है अहंकार नहीं है, लेकिन ये अनुभव शेयर करते हुए बड़ा इच्छा ये होती है कि सब लोग जो है जैसे गुरु कृपा को हमने अनुभव किया, इन साधुओं की वाणी को जैसे अनुभव हमने अनुभव किया, और इस संसार रूपी जो अभाव है उस सब के सब अभाव भी समाप्त हो। ऐसा नहीं है कि संसार छूट गया या कहीं घर बार छूट गया या परिवार छूट गया, लेकिन उस परिवार में रहते हुए भी, उस घर में रहते हुए भी, उस व्यवस्था में रहते हुए भी हम भक्ति कर सकते हैं, ये कहने का प्रयास करते हैं। हमने छोड़ा कुछ भी नहीं, व्यापार भी चल रहा है, परिवार भी चल रहा है, घर भी चल रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूं, मेरा ये अनुभव है कि वो पहले से हजारों गुना अच्छा चल रहा है, और गुरु कृपा भी हो रही है, भगवत कृपा भी हो रही है सारी की सारी। क्यों, अब मैं जो भी करता हूं आप भी वैसा कर सकते हैं, बाजार जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कमाने जा रहे हैं, केंद्र बिंदु ठाकुर जी को बना लीजिए। मैं किसके लिए कर रहा हूं जी। ये मैं बना किसके रहा हूं, ठाकुर जी के लिए। भोग किसको लगाऊंगा, ठाकुर जी। उसके बाद प्रसाद सब पाएंगे।
ये हो गई भक्ति। और यही मैं ला रहा हूं, मेरी बीवी को पसंद है, मेरे बच्चे को पसंद है, मेरे पति को पसंद है, तो ये भक्ति नहीं है, ये कर्म है। क्रिया वही है, लेकिन केवल अपने मन की सोच को बदलना है कि मैं ये काम जो कर रहा हूं, परिवार किसने दिया है? ठाकुर जी ने दी। ये व्यवस्था किसकी है? मेरे को गृहस्थ आश्रम में किसने डाला है? ना, मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, कोई बात नहीं। ठाकुर जी मेरे को, गोपियां कहाँ है? गृहस्थ आश्रम नहीं है, सब गृहस्थ है। गाय की छानी भी करती है, गाय को चारा भी डालती है, गाय का दूध भी दूती है, मक्खन भी बनाती है, घर के बच्चों के लिए रोटी भी बनाती है, सब कुछ करती है। लेकिन करती कैसे है? साथ साथ भजन है, बड़ा सुंदर है ना, है ना, बहुत सुंदर भजन है ना। कि जैसे किसी ने झाड़ू उठाई, कोई बुहारती आंगन में, तो क्या रही है? गोविंद दामोदर माधवे थी। और मधानी डाली उसने दधी में, तो दधी चोर याद आ गया, गोविंद दामोदर माधवे थी। उनको भूलता नहीं। कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमें वो गोविंद, वो माधव, वो विस्मरण हो जाए। ऐसा कोई काम ना करें अपने जीवन में। और कोई भी क्रिया करें उसमें उसको थोड़ा सा याद करने साथ, ये भक्ति मिल जाए, इसी से हमारा जीवन सफल हो जाए। गौर प्रेमानंदे पतिता नाम पावन बोले से वृंदावन बिहारी लाल की कृष्णा स्तुति। अब जो बोलोगे कृष्णा स्तुति, अब कल बोलना आशीर्वाद। देखो जैसे हम लोग कथा करके धाम चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर कब कब सत्संग होती है? सैटरडे सैटरडे शनिवार को कितने से कितने बजे तक? 7 से 9। हर शनिवार को 7 से 9 बजे तक यहाँ ये हमारे कृष्णदास प्रभु जी यहाँ आते हैं, ठाकुर जी कथा सुनाते हैं। इसलिए आप लोग जरूर आते रहना, ठीक है ना। जैसे अभी कथा सुने, थोड़ी सी चार्ज हो गया, थोड़ी सी चार्ज हो गया। अभी कुछ दिन तक तो भजन करोगे, लेकिन कुछ दिन बाद में वो जो चार्ज है ना, धीरे 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 खत्म होते जाएगा, फिर भक्ति भक्ति छूट जाएगा। लेकिन अगर 7 दिन में एक बार उसको चार्ज कर दोगे ना, फिर भजन चलते रहेगा। जैसे गमला में एक पौधा लगाओ, ये पौधा कब तक हरा भरा रहेगी? जब तक उसमें पानी देते रहेंगे, पानी नहीं देगा तो सूख जाएगी। इसलिए सत्संग ही है, पानी सत्संग, ठीक है ना। इसलिए आप लोग हर शनिवार को 7 से लेकर के 9 बजे तक जरूर, 1000 काम रहने पर भी उसको पीछे रख करके सत्संग में आना, देखना आपका भक्ति एकदम हरी भरी रहेगी, ठीक है। और देखो हम लोग 7 दिन तक कथा सुनेंगे। कल मैंने एक स्टोरी सुना रहा था, चार गोवों की, किसको याद है? किसको किसको याद है, हाथ उठा तो सही से। चार गोवों की कथा किसको किसको याद है? तुम लोग को याद है, बता सकते हो खड़े होकर के? चार गोवों की याद है, हाथ उठा दिए। इसलिए चार गोवों की पहला गो कौन था बताओ तो? दादा जिसको प्रेम करता था, वो कहाँ तक गई है? गई नहीं, वो गई नहीं ना, वो मना कर दी। बोले वो कौन थी? शरीर। ये बच्चा बढ़िया याद रखा है, ये जिस शरीर को हम इतने प्रेम प्यार करते हैं, अंतिम समय आएगा तो शरीर वही रह जाएगी। दूसरी पत्नी कौन थी? सुंदरी, सुंदरी। सबसे सुंदर थी, वो कौन थी? धन। ऐसा उसने क्या बताया कि भैया दूसरी शादी करूंगी मैं तो। ये बच्चा मतलब याद है, ये बढ़िया बच्चा है, बोले मैं दूसरे से शादी कर लूंगी। मतलब शरीर छूटते ही ये पैसा दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाती है, हैं? वो भी गई। तीसरी पत्नी कौन थी? बातें करने वाली, हाँ, जो सबसे मीठी मीठी बात करती थी। लेकिन उसने क्या बताया, कहाँ तक चलेगी? चौखट तक, चौखट तक चलेगी। ये कौन है? भाई भाई और परिवार, बंधु जो। इसलिए पहला नंबर पत्नी की आई, पत्नी से पूछा साथ में चलोगी? बोले हाँ चलूंगी। बोले कहाँ तक? बोले दरवाजा तक चलूंगी। बोले आगे? बोले आगे नहीं चल सकती हूँ। परिवार वालों से पूछे चलोगे? बोले हाँ चलेंगे, तेरे लिए बढ़िया आरती सजाएंगे और राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे। बोले कहाँ तक? बोले शमशान तक। बोले आगे? बोले वहीं पर जला करके टाटा करके वापस आ जाएंगे। बोले आगे? बोले आगे नहीं चलेंगे। चौधरी रानी कौन थी? जिसको प्यार नहीं करता था, जिसको वो प्यार नहीं करता था, जिसको जीवन में कभी पूछा भी नहीं,
तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, कभी पूछा भी नहीं उसको, पूरा जीवन में निगलेट करके रखा। लेकिन जब अंतिम समय में उससे पूछा तो बोले वही साथ जाने के लिए तैयार है, बोले तेरे को मैं दिल से प्रेम करती हूँ, लेकिन तुम तो मेरे को एक बार झांक करके भी नहीं देखा, लेकिन तेरे साथ साथ मैं चलूंगी, सुखी में सुखी और दुखी में दुखी बनूंगी। वो कौन है? हाँ, भगवान का नाम है। अगर किसको बोलो थोड़ा हरि नाम करो, भगवान की भक्ति करो, बोले पेट भरेगा। जिसका कोई काम धाम नहीं हुई सब माला लेकर हरे कृष्ण करते हैं। हमारे बहुत सारे काम, लेकिन भैया जो कुछ कर लो, अंतिम समय आएगा तो जब कंधे पर चार व्यक्ति ले जाएंगे क्या बोलेंगे? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कई बात होता है। भैया जितने तुमने राम का नाम कृष्ण का नाम लिया वही तेरे साथ जा रहे हैं, और तुमने जो कुछ किया यहीं पर तुम छोड़ करके जा रहे हो, साथ में और कोई नहीं जा रहे तुम्हारे हैं। इसलिए विरा कहते हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन। देखो हमारे गुरु जी एक बढ़िया उदाहरण देते थे, देखो समझो, जैसे आप लोग वृंदावन जाओ, अगर आप वृंदावन जाओगे यहाँ से कितना घंटा का रास्ता है? ढाई घंटे का, ढाई तीन चार घंटा समझो। जैसे आप वृंदावन दो तीन दिन के लिए मानो जा रहे हो, लेकिन आपसे एक मैं प्रश्न करता हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर देना, देखूंगा कौन उत्तर देता पता। जैसे तीन चार दिन के लिए मानो वृंदावन में जाओ, लेकिन हमारा पास में ऐसे कौन सा वस्तु रहनी चाहिए जब हम यात्रा करेंगे बड़े प्रसन्न होकर के यात्रा करेंगे, खुश होकर के, ऐसे हमारा पास में क्या चीज हो यात्रा करते समय, तीन चार दिन के लिए यात्रा करेंगे लेकिन ऐसे कौन सा चीज हो जो चीज हमारे पास में रहे ना बड़े हंस खुश करके प्रसन्न होकर यात्रा करेंगे? बोलो, पैसा है, पैसा है। अगर यात्रा कर रहे हो तुम्हारे पास में एक भी पैसा नहीं, लेकिन यात्रा कर रहे हो सुखी होकर जाओगे, बिलबिलाते हुए जाओगे, कहाँ रहेंगे कहाँ खाएंगे, लेकिन एक पकेट गर्म है, लाख रुपया पकेट में है, पकेट गर्म है। अब जब यात्रा करोगे ना खुश होकर जाओगे, अरे तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं, कपड़ा लगता कुछ नहीं, खाना पीना, लेकिन पकेट गर्म है। बोले भैया बढ़िया से बढ़िया होटल में रहेंगे खाएंगे पिएंगे, क्यों पकेट गर्म है ना, लेकिन एक, एक, एक पैसा नहीं हो दुखी होकर जाए। देखो ये हमारे गुरु जी कहते थे केवल तीन चार दिन के लिए यात्रा कर रहे, केवल तीन चार दिन, उसके लिए पहले हम तैयार करते हैं, है ना, तीन चार दिन के लिए। लेकिन एक दिन हमें ऐसे एक यात्रा करनी पड़ेगी जो सबको वो यात्रा करनी है, कोई नहीं बता सकते वो यात्रा मैं नहीं करूंगा, वो यात्रा कब करना पड़ेगा वो भी कोई नहीं बता सकते, जो हमारी अंतिम यात्रा होगी और सबको वो यात्रा करना ही है, और कब करना पड़ेगा कोई भी बता नहीं सकते। लेकिन वो कहते थे गुरुजी हमारा पास में ऐसे कौन सा वस्तु हो जो कि अंतिम समय जब यात्रा करेंगे बड़े प्रसन्न होकर के जाएंगे, खुश होकर जाएंगे, क्योंकि पकेट तुम्हारी गर्म है, वो कौन सा धन हो? हरि नाम। तब ये कबीर, कबीर ये बात को कबीर कह रहे हैं, वो कबीर कहते हैं कहते मरने में सब जग डरे, दुनिया मरने के लिए डरता है, मरने का बात सुनो घोड़ा उठता है, बोले हम मरना नहीं चाहते। कबीर कहते मेरे मन आनंद, मैं तो खुश हो रहा हूँ। बोले भैया दुनिया मरने के लिए दुखी हो रहा है, तुम मरने के लिए सुखी क्यों हो रहे हो? वो कहते हैं कब मरी हो कब मिट्टी हो परमानंद। वो कहते हैं मैंने जिंदगी भर प्रभु का नाम जप किया ना, राम का नाम कृष्ण का नाम मैंने जिंदगी भर लिया, ये धन मेरे पास में इतना धन है, मेरे को पता है मेरे लिए ब्याह की व्यवस्था वहां होगी। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली, राम नाम की मेरे मोती मैं बिखरा गली गली। और जिन जिन यह मोती लुटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने बिचारी आखिर वो कामयाब हुए। अगर ये धन अगर आपने जिंदगी भर अगर धन को लुटे, भगवान का नाम किया ना आपके लिए गोलोक वृंदावन से रथ आएगा, जैसे ध्रुव के लिए रथ आया, उसने ध्रुव शरीर नहीं छोड़ा, वो काल भी आ गया, बोले तू कौन? बोले काल। बोले किस लिए आए हो? बोले जगत में जन्म जो लेगा मेरे मगर कोई नहीं जा सकता। बोले बैठ जा। तो ध्रुव जी काल के सर पर पैर रख दिया और उस शरीर में वैकुंठ विजय किया, भगवत धाम। अगर प्रभु का नाम जप करेंगे ना हमारे लिए रथ आएगा, और भयाय भी व्यवस्था आनंद से जाओगे,
अगर प्रभु का भजन नहीं करेंगे फिर तो ठाकुर जी एक तृतीय स्कंद में कहते बोले भैया जब दूत आते हैं गले में काल खास को बांध करके गर्म रेतियों के ऊपर में घिसट के घिसट ले जाएंगे, मरने के बाद कितना दिन बाद में शुद्धि क्रिया होता है बताओ तो? 13 दिन जानते हो 13 दिन की, आप सुन लेना। अब लोग मरने के बाद एक गौरव पुराण सुनाते हैं, अब सुना उसमें सब वर्णना करते हैं जब उसको एक बैतरणी नदी पार करना पड़ता है जिसमें केवल टाटी पेशाब खून और पी ये नदी सबको पार करना पड़ता और पार होने के लिए 13 दिन उसको लगते हैं और उसमें कोड़े मार मार करके उसको पार करवाते हैं, कोड़े मार मार करके। इसलिए आप सुने होंगे जब कोई चाहता कष्ट पा करके मरता कोई कोई बोलते हैं उसकी नाम पर गैया डालते हैं उसको पूछ पकड़ कर पार हो जाए, बल्कि इसको ये बेहतरीन नदी पार करना पड़ता है जो हरिनाम नहीं करते, जिसके गले में तुलसी कट्टी नहीं तिलक नहीं, जिसके गले में तुलसी कट्टी रहेगी ना वो कभी भी वो नदी नहीं पार करेंगे। ये जब स्वयं कहते हैं कल बताया ना तुलसी कट्टी क्यों धारण करते हैं, जब बोले जो भक्ति करते मेरे पास में मत लाना, बोले पता कैसे चलेगा, बोले दो तरह के कुत्ते हैं एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ते। जो पालतू कुत्ते हैं गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है देखने से पता चलता किसी घर की कुत्ते, और जो फालतू कुत्ते बिने पट्टे के में जो रोड रोड में घूमते हैं देखना पालतू को तो कोई मारते नहीं और फालतू को कोई चोटते नहीं। इसलिए गले में अगर हमारी तुलसी कट्टी है ना हम ठाकुर जी की पालतू है, किसके पालतू हमें श्री ठाकुर जी की हम पालतू है, हमारे ऊपर में कोई नजर भी नजर उठा कर भी नहीं देख सकता, क्यों हम तुलसी कट्टी मतलब ठाकुर जी की शरण में हम गए, ठीक है ना। सबके सब गले में तुलसी कट्टी पहनना, हरि नाम करना, तिलक लगाना सबके सब, जैसे देखो हमारे भक्त लोग देखो यहाँ पर तो कितने सारे भक्तों को विदेशी होकर के देखो वो रसिया से आई उसको देख लो कैसे तिलक लगाए, गले में तुलसी की कट्टी देखो हैं, तुलसी की कट्टी देखो तिलक, अगर वो रसिया की होकर लगा सकता है हम हिंदू होकर भी लगा सकते हैं, शर्म नहीं करनी चाहिए, शर्म तो गंदी काम के लिए शर्म क्या करो, अच्छे काम के लिए शर्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। सबके सब हरिनाम करना, भक्ति करो, आप देखना जहाँ बास किसी जीवन को बाद में फिर दुनिया में नहीं आएंगे, फिर तो ठाकुर जी की चरण में जाएंगे। एक बार हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आप बोलो मैं सुनूंगा जोर से हरे हरे लेकर के जप करना चाहते हैं आपको तभी एक माला दूंगा जप करने के लिए लेकिन वापस ले लूंगा आपसे, लेकिन अगर आप लोग सही से जप करना चाहते हो मैं कल आपको माला दूंगा। अगर कोई प्याज लहसुन छोड़ेगा फिर हम उसको तुलसी माला देते हैं, फिर गले में भी तुलसी कट्ठी देते हैं, गले में तुलसी कट्ठी और माला देते हैं तुलसी की। अगर कोई बोलेगा हम धीरे धीरे छोड़ेंगे फिर हम उसको नीम की माला देते हैं, इसी माला में जप करते रहो और धीरे 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 कोशिश करो जैसे ये चीज हमारी छूट जाए, पर जब छूट जाती है फिर हम लोग उसको तुलसी माला देते हैं। और हमारे श्री प्रभु जी खड़े हुए हैं, हमारे ये प्रभु जी हैं, हमारे श्री प्रभु जी कृष्णदास प्रभु जी यहाँ पर वो क्लास देते हैं, आप लोग जरूर आते रहना, ठीक है ना, जरूर शनिवार को आते रहना, ये हर शनिवार को शनिवार क्लास देते ना प्रभु जी, हर शनिवार को देते, अगर आते जुड़े रहेंगे ना जरूर आपकी भक्ति बढ़ेगी। और इसी जीवन में आप जरूर कल बता रहे थे ना आप अगर विदेश जाना चाहते तो 3 चीज चाहिए, क्या क्या चीज है? पासपोर्ट वीजा और टिकट। आपने पासपोर्ट क्या है? अरे सब भूल गए हैं भगवान, कंठी माला तुलसी कट्टी। वीजा क्या है? तिलक। और टिकट क्या है? ठाकुर जी का नाम, हरि का नाम। अगर 3 चीज हो ना कभी ये वैकुंठ का पासपोर्ट है, जैसे अमेरिका जाओगे पासपोर्ट की जरूरत, अगर ये 3 चीज रखो ना ये वैकुंठ मतलब ठाकुर गोलोक वृंदावन में जरूर जाओगे, आपको कोई रोक नहीं सकते, सीधा ठाकुर जी की पास में अगर 3 चीज ग्रहण करोगे तो। इसलिए अगर जो बोलेगा भजन करेंगे कल आपको माला देता, ठीक है। अभी जप करने के लिए एक माला देता हूँ, जप करके फिर माला वापस दे देना, माला दे दो, जप दे दो, माला दे दो, माला दे दो, फटाफट खड़े हो। देखो इधर देखो, हाँ देखो ये भगवत गीता है,
अगर जो बोलेगा हम भगवत गीता घर में पढ़ेंगे, ऐसे नहीं लेकर के आप रख दिया, नहीं, कोशिश करना दो दो तीन तीन श्लोक रोज पढ़ने के लिए, ठीक है ना। इसलिए मैंने एक दिन आपको कथा सुनाया था ना, कैसे एक अमेरिका के एक व्यक्ति था, हरे कृष्ण, एक मिनट प्रभु जी, एक देखो ये गीता की कितने महत्व है। मैंने शायद आपको सुनाया था, एक समय अमेरिका गीता जयंती, अभी एकादशमी गीता जयंती, अमेरिका में गीता जयंती में ध्यान देकर सुनो कितने महत्व है। एक समय अमेरिका में गीता जयंती में इस्कॉन के भक्त लोग गीता बांट रहे थे, एक व्यक्ति प्लेन से उतरा, उतरा तो कोई व्यक्ति बोले गीता लो, बोले बेकार चीज, लेकिन और थोड़ी दूर गए, लेकिन वो गीता लाइन से 8-10 लोग थे, बोले गीता लो, बोले गीता लो, बोले, लेकिन उसने देखा 8-10 लोग खड़े हुए हैं, बोले कितने करे, उसने $3-4 दे करके एक गीता उसने खरीद कर लिया। सोचा ये बेकार चीज कोई काम का तो है नहीं, उसने ड्रम में गीता को रख लिया। एक दिन क्या हुआ, वो इतने डिप्रेशन में आया, इतने डिप्रेशन में वो व्यक्ति आया, वो सुइसाइड करने जा रहा था। जब सुइसाइड करने जा रहा था, अभी ड्रम को उसने खोला, क्योंकि ड्रम में था बंदूक, ड्रम में वो बंदूक था। जब उसने बंदूक को लेने के लिए गया सुइसाइड करेगा, इतने में बंदूक तो हाथ में नहीं आया, आया भगवत गीता। ध्यान देकर सुने इधर, कहते गीता कहाँ से आया, कहते उनका हाथ में बंदूक नहीं आया, आया हाथ में भगवत गीता आ गई। जो गीता आ गई वो तो मरने जा रहा है, उसने सोचा गीता में क्या थोड़ा पढ़े, और गीता को खोले, उसमें कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, बोले हे अर्जुन, अगर तुम जीवन में परम शांति, अगर परम सुख पाना चाहते हो, तुम मेरे शरण में आओ। ये दुनिया में शांति सुख नहीं, बोले क्यों, बोले दुनिया में हर चीज नश्वर है, जो नश्वर नाशवान वस्तु वो कभी परमानंद नहीं दे सकता है, अगर सुख पाना चाहते हो मेरे शरण में आओ। फिर कृष्ण समझाए, बोले अर्जुन, ये जो शरीर है ये कपड़ा है, जैसे कोई कपड़ा पुराने होने पर हम उसको छोड़ करके नए कपड़े धारण करते हैं, उसी तरह ये आत्मा शरीर जो पुरानी हो जाती है, शरीर को छोड़ करके आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। उनको ये समझा रहे थे, वो व्यक्ति सुइसाइड क्या करेगा, रात भर उसने ये भगवत गीता को पढ़ा, रात भर उसने गीता पढ़ा, और उसने जो सुइसाइड करने जा रहा था उसने सुइसाइड को छोड़ दिया, उसने छोड़ करके उसने देखा ये एड्रेस कहाँ पर है, वो एड्रेस लिखा हुआ था, इतने में वो एड्रेस से ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंचा, पहुंच करके संत लोग से मिले और उनने सारे क्वेश्चन किया, मेरे को शांति क्यों नहीं मिल रहा है, हम तो बड़े डिप्रेशन है। फिर वो लोग उनको समझाए, देखो तुमको शांति जहाँ ढूंढनी चाहिए तुम गलत जगह पर शांति ढूंढ रहे हो, इसलिए शांति तुमको नहीं मिल रही है, शांति ढूंढते हो संसार में, लेकिन जिसने ये दुनिया बनाया खुद कहते दुख का घर है, शांति ठाकुर जी के चरण में, जब तक तुम ठाकुर के चरण में जाओ नहीं जाओगे, विश्व ब्रह्मांड का संपत्ति पा करके भी तुम कभी सुखी नहीं हो सकते हो। उनको जब समझाया ना, उनने सब कुछ त्याग दिया, और जैसे हम सन्यास वैसे पहने, उसने सन्यास ग्रहण किया, अभी विश्व ब्रह्मांड में वो क्रिश्चियन है, अभी विश्व ब्रह्मांड में उन्होंने गीता की प्रचार कर रहा है, अभी भी वो सन्यासी है। अभी जो सुइसाइड करने के लिए जा रहा था गीता उसको प्राण दे दिया, गीता इतने महत्वपूर्ण की गीता है, हैं? इसलिए अगर इसको इच्छा होगी हम गीता पढ़ेंगे कथा के बाद में, ऐसे नहीं गीता को लेकर ऊपर में पोथी बात इसमें कपड़े बांध के ऊपर रख लिया, नहीं, इसको जो पढ़ना चाहते हैं रोज रोज हम नियम करके थोड़ी थोड़ी गीता पढ़ेंगे, तो आप लोग कथा के बाद में आपको गीता दूंगा, ठीक है। अभी एक मिनट माला जप करो, उसके बाद में गिरिराज की कथा सुनेंगे, और गिरिराज की प्रसाद लेकर सबके सुनाना, सब उनको माला देंगे, हाँ जिसको पास में नहीं है उनको दो, बांट दो बांट दो, सुन जिनके पास में नहीं उनको ही माला पकड़ो। एक ये जो वीडियो है ना, जब कोई माला करेंगे एक खाना कहाँ गए, ये जो भरना करके उसमें से माला करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, हाँ
आप लोगों को मैंने तो दो तीन दिन से प्रैक्टिस करवाया है। इधर देख लो और एक बार बोल देना, एक बार देख लो, ये अंगुल को, ये अंगुल को बाहर निकाल कर रखना, करना बैठ जाओ, इसलिए कहते ये अंगुल को बाहर ऐसे निकाल रखना, क्योंकि जो अंगुल है ये गंदा अंगुल, ये सबसे पहले निकलता है, हम तुमको देख लेंगे, इसलिए ये अंगुल को मेरे तरफ में देखो, ये अंगुल को ऐसे बाहर निकाल कर रखना और ये बीच वाला अंगुल में रखना, इसको बीच वाला अंगुल में रख करके जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बोल करके इसमें एक मोती सरकेगा, कितना मोती सरकेगा, एक, फिर दो बार बोल कर दो मोती सरकेगा, तीन बार बोलोगे तो तीन बार, हाँ देखो मेरे तरफ में, आज सब सिखा देता हूँ, जब यहाँ खत्म हो जाए इसको ऊपर में अंगुल को पार नहीं करानी चाहिए, क्योंकि ये राधा कृष्ण का स्वरूप है और ये एक एक मोती नहीं, ये एक एक गोपी है, बीच में राधा कृष्ण को रख करके ये रास कर रहे हैं, ये रास कर रहे हैं, और मैंने कल बताया था महाप्रभु बोले जो लखपति होगा उसको घर में खाना खाएंगे, भक्त लोग क्या बोले, बोले प्रभु हम तो लखपति बन ही नहीं सकते, फिर घर में क्या खाना नहीं खाओगे, फिर महाप्रभु क्या समझाए, बोले असली लखपति कौन है, जो एक लाख ठाकुर जी की नाम जप करते हैं, जो एक लाख ठाकुर जी की नाम जप करते वो असली लखपति है, फिर भक्त लोगों ने प्रतिज्ञा की, भैया इसलिए हमारे संप्रदाय में देखो ये माला कोई भी नहीं छोड़ते हैं, सबको पास में माला, देखो यहाँ पर जितने भक्त लोग हैं देखो सबको पास में माला है, कोई माला पास देखो, ये सब क्योंकि जो एक एक श्वास जा रही ना, करोड़ रुपया में एक श्वास को हम वापस नहीं ला सकते, और ये मानव शरीर नष्ट हो गया तो फिर कोई गद्दे कुत्ते होकर भटकते रहो, फिर ठाकुर जी मानव शरीर नहीं देगी, इसलिए दुनिया तुम्हारी छूट जाए लेकिन प्रभु का नाम नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है ना, हर समय माला रखना, कहीं ट्रेन में जा रहे हो, कहीं बस में जा रहे हो, कहीं ट्राम में जा रहे हो, क्या करो, भगवान की नाम जप करते रहो, और यही धन ही असली धन है और अंतिम समय में यही धन साथ में चलेगी, ठीक है, इसलिए मेरे साथ साथ में सबके से बोलो, देखो माला करने से पहले हम नाम लेते हैं श्री कृष्ण चैतन्य, बोलो मेरे साथ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य मतलब महाप्रभु का नाम, नित्यानंद जी बलदेव, अद्वैत जी सदाशिव, गदाधर राधा रानी, श्रीवास नारद, भगवान कलियुग में किसी पांच रूप लेकर के आए और हरि कीर्तन को उन्होंने प्रचार किया है, कि नाम लेने से पहले एक बार उनका नाम लेकर के एक आशीर्वाद लेकर के फिर हम ठाकुर जी के नाम रख करते हैं, देखो माला तो एक करोड़ है लेकिन कितना फल मिलेगा जानते हो, हम कर कर कितना यहाँ पर बैठे, कितना भक्त लोग हैं बता तो, कितने होंगे, कम से कम 100 से ऊपर होंगे ना, 100 से ऊपर होंगे, इसलिए माला तो एक करोगे लेकिन ये सबके सब हरि नाम करेंगे, आपका कान में पड़ेगा ठाकुर का नाम पड़ेगा, इसलिए माला तो एक करोगे लेकिन 100 माला करने का फल मिलेगा, 100 माला मतलब 1.5 लाख रुपया, आज आपका नाम पर बैंक में 1.5 लाख रुपया फिक्स डिपोजिट हो गया, कल ब्याज कितना मिलेगा, बीरा कहती है दिन दिन बढ़ता सवार पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आज तक 1.25 लाख करोगे कल तुमको 2 लाख हो जाएगी तुम्हारे, 1.25 लाख मतलब 1 लाख और 1.25 लाख 4 दिन में डबल, ये था इतनी बड़ी महत्व है, ठीक है, इसलिए मेरे साथ साथ में करो, बोले हरे कृष्ण, सबके सब करना, जो नहीं करेगा ना सबका पाप तो उड़ जाएगा, जो करेगा और जो नहीं करेगा सब पाप उसको सर पर बैठ जाएगा, इसलिए सबके सब करते रहो, ऐसे नहीं मुंह बंद करके बैठना, देखो भागवत में बताया जिनको ठाकुर जीवा दिया नाम नहीं किया वो जीवा नहीं मेढक का जीवा, मेढक जैसे टट्र 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 करता है और सर्प आकर के खा जाता है, अगर भगवान के नाम नहीं करोगे अगले जीवन में मेढक बनोगे, क्योंकि 84 लाख जिनमें एक ही जीवा मिला जिसमें हम राम का नाम कृष्ण नाम ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकते ठाकुर का नाम केवल एक, इसलिए भगवान कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मानव शरीर नहीं ये मुक्ति की दरवाजा पर खड़े होंगे, क्यों, इसी जीवन में प्रभु का नाम लेकर के हम ठाकुर के पास में जा सकते हैं, इन सब के सब बोलना कोई चुप नहीं रहेगा, ठीक है, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे, एक बहुत ही संकेत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पूरी हो गई भगीना वाला देखो आपने माला तो एक किया लेकिन कितने माला करने का फल मिला सौ 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 से ज्यादा समझो सवा सौ माला करने का फल मिला जब आप जाओगे ना पूरा पूरा जब काफी खुलेगा पूरा निकलेगा आपने महासिंह या विशाल सिंह मंदिर में बैठ करके हरिनाम आपने किया था पूरा के पूरा रिकॉर्ड निकलेगा है सबके सब माला सब वापस दे दो कोई माला लेना नहीं कल माला दूंगा सबको कल हरे कृष्णा हाँ देखो हरि बोल माला सब वापस दे दो लेना नहीं पाप लेंगे जब माला दे दो सबके साथ हरे कृष्ण बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय हाँ हरे कृष्ण कल है कथा का दूसरा कथा समाप्त नहीं हरि अनंत हरि कथा भगवान कथा कभी समाप्त नहीं होता है इसलिए कल कथा की विश्राम है और कल का जो कथा सुनेगा ना अगर कोई आधा सुना कोई लास्ट में आए हैं कोई पूरा नहीं आ पाए लेकिन कल की जो कथा जो सुन लेगा पूरी कथा सुनने का फल उसको मिल जाएगा सात दिन कथा सुनने की इसलिए कल थोड़ी सी कल कौन सा बार है संडे संडे सबका छुट्टी रहेगा इसलिए कोई बाद में नहीं आना ठीक है ना कल कोशिश करना एकदम टाइम से आ जाने के लिए कथा से पहले आए हनुमान जैसे कथा में आते हैं ठीक है इसलिए कथा में पहले आए और कथा में लास्ट में जाए और कल कथा सुनने से पूरा कथा सुनने की फल मिलेगा इसलिए कल भगवान कृष्ण की शादी है इसलिए कल सबके सब बराती बन करके आना क्या बन करके आओगे किसकी बराती है भगवान की बांके बिहार की बराती बन करके इसलिए बरात में जैसे बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन करके जाते हैं ना कल सबके सब चमक धमक साड़ी पहन करके आते हैं और जो पिटरा में जो बंद करके अलमारी में रख के खराब हो रहा है शादी का समय का सब निकलना सब लहंगा चुनरी और बढ़िया जैसे शादी में जाते हैं इसे सब धज करके आना क्योंकि कल भगवान की शादी होगी और कल और क्या होगी कल सुदामा का चरित्र होगा और कल श्री भगवान की रास की कथा होगी भगवान की रास की कथा होगी एक बार हाथ उठा कर बोलो बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे देखो कल भगवान
अगर कोई रुक्मिणी की शादी में साड़ी देना चाहते हो, कोई अगर बढ़िया साड़ी दोगे ना, हम वृंदावन में श्री राधा रानी को पहनाएंगे। अगर बढ़िया साड़ी दोगे फिर जगन्नाथ जी भी धारण करेंगे, हैं? हमारे जगन्नाथ जी राधा महाप्रभु कृष्ण अगर अच्छा कोई साड़ी लाओगे ठाकुर को पहनेंगे। जैसे द्रौपदी भगवान का अंगुल कट गया ना, थोड़ा दंडज कर दिया, ठाकुर क्या किया, भरी सभा में लाज को बचाए। अगर लाज तो रुक्मिणी शादी में ठाकुर पहनेंगे, ठीक है? हाँ देखो हमारे नबीर को खड़े हो जाए प्रभु जी, कमाल प्रभु जी इधर। देखो हमारे मंदिर से ना वो पालकी जाती है, अगर कोई अपना घर में ठाकुर जी को बुलाना चाहते हैं, ठाकुर जी हमारे घर में आए, भक्त लोग आए, घर में हरि कीर्तन हो, घर में भगवान की कथा हो, फिर ये पालकी को फिर ला करके उनको घर में पालकी लाते हैं, उसमें हमारे दो प्रभु जी उसमें पालकी की सेवा करते हैं। इसलिए एक श्री नवीन कृष्ण प्रभु और एक श्री तमाल प्रभु जी हैं। इसलिए घर में ठाकुर आए ना बड़े भाग्य से, वो पालकी में ठाकुर को लेकर घर में ले आते हैं, घर पवित्र हो जाता है। घर का अगर कोई दुख कष्ट समस्या ठाकुर जी आने पर सब अमंगल घर से खत्म हो जाती है। अगर कोई लाना अगर लाना चाहते हो आप इनको पास में आप एड्रेस ले लेना है, एड्रेस ले लेना और जो चाहोगे आप घर में ठाकुर जी को लेकर आएंगे, कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे, ठीक है? बोले श्री गिरिराज, कल भी पालकी का कल भी रोज रोज ये हर संडे को पालकी जाती है। कितने बजे जाती है भैया, कितने बजे? हाँ कबर कल सवेरे, इतना सवेरे सवेरे जाते हो? हाँ कबर सवेरे 7 बजे भागवत। हाँ कैसे पालकी शाम को जाती है, अभी ये भागवत कथा है, इसलिए सवेरे 7 बजे से कहाँ से भैया पालकी निकली? नागल से बोलो, नागल राय कहाँ से? विकासपुर से, विकासपुर से नागर राय तक पालकी जाएगी। अगर आप कोई जाना चाहते हो आना और कीर्तन करते करते भक्तों के साथ में पालकी लेकर के जाना, ठीक है? श्री गिरिराज महाराज की जय। कर नहीं दे रहे, इतना लोग आवाज नहीं आ रहे, जोर से बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। अभी हम गिरिराज की कथा सुनेंगे। ये जो गिरिराज है इनका नाम सर्व अभीष्ट प्रदाता, मतलब है आप इनसे जो मांगोगे गिरिराज वही देते थे। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करता है ठाकुर जी उसको पीछे 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 ठाकुर जी चलते हैं। चलो क्यों, ए बच्चा ए क्या कर रहे हो, चुपचाप बैठो, कथा नहीं सुन रहे, सुनना सुनने भी नहीं दे रहे, बैठ चुपचाप, सबसे चुपचाप बैठ जाओ 5 मिनट। इसलिए जब कोई परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी उसको पीछे 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 ठाकुर जी चलते हैं, ये इतना कष्ट करके मेरी परिक्रमा कर रहा है वो क्या परिश्रम मांगेगा। अभी हम बड़ों तो गए थे कथा करने के लिए, एक भक्तों घर में गए, देखा उसको 3 मंजिली मकान। मैंने कहा भैया आपको तो बहुत सुंदर मकान है, देखो आदमी क्या कहता है। बोले गुरुदेव मैं गया था गिरिराज में, गिरिराज में गया था, वहां पर जो आप देखना पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ रहता है, जिसको जितने पत्थर के ऊपर पत्थर रख लेना ठाकुर जी उतना मंजिली मकान दे देते। उसने कहा मैंने 3 पत्थर को ऊपर गिरिराज की शिला के ऊपर 3 शिला रखे था, ठाकुर जी को बोला ठाकुर जी मेरे 3 मंजिल दे देना, ठाकुर जी मेरे को 1 साल में गुरुदेव मेरे को 3 मंजिल, ठाकुर जी 3 मंजिल हमें दे दिया, तो 2 मंजिल तो किराए में चढ़ा दिया और 1 मंजिल में हम रहते, वो खुद मेरे को ये बात बता रही थी। इसलिए गिरिराज की इतने महिमा, जो कुछ उसे गिरिराज से मांगो सब कुछ गिरिराज जी इच्छा पूरी कर देते हैं। लेकिन गुरुदेव तो कहते थे ये सांसारिक की कामनाओं को तो आसानी से दे देते हैं, लेकिन अगर उनको एक चीज मांगो ना फिर गिरिराज जी चिंता में पड़ते हैं उसको दूर क्या नहीं हो, जानते हो कौन सा चीज है, कहते उनकी सेवा, उनकी भक्ति, उनकी प्रेम। क्यों ठाकुर जी चिंता क्यों करते हैं, भगवान अगर भक्ति प्रेम देना ठाकुर को वसीभूत होना पड़ता है ठाकुर जी को, इसलिए ठाकुर जी प्रेम भक्ति तो देते हैं, सेवा देते हैं, लेकिन विचार करके ठाकुर जी उसको भी प्रदान करते हैं। इसलिए आज हम भी गिरिराज की परिक्रमा करें। गिरिराज लाए कि नहीं, गिरिराज लाए ना कथा के बाद में एक टूल को ऊपर रख देना वहां पर, ठीक है? आप लोग उसको 4 परिक्रमा लगाना, गिरिराज की शिला लाए यहाँ पर, एक माता जी घर से परिक्रमा करना,
कभी ये गिरिराज आए कहां से, गिरिराज की उत्पत्ति कहां हुई देखो सुन लो, कभी इनकी विभिन्न पुराण में माइक वाला थोड़ी सी तेज कर दो, इसलिए गिरिराज की अलग अलग कथा सुनने को मिलती है। एक समय गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा रानी बैठे हुए थे और आपस आपस में चर्चा कर रहे थे ऐसे एक सुंदर स्थान हो जहाँ पर एक साथ में छह ऋतु बहते बहते हुए हो, जहाँ पर ठंडा नहीं हो गर्म नहीं हो, जहाँ पर सुंदर झरनाएं हो, सुंदर सरोवर हो, सुंदर नदी हो, जहाँ पर सुंदर कुंज हो, सुंदर तालाब हो, सुंदर गुफाएं हो, और जहाँ पर एक वृक्ष में जहाँ पर हर तरह का एक वृक्ष में सब फल सब फूल एक जगह से मिले। तब श्री राधा रानी अपना हृदय से श्री राधा रानी गिरिराज को उन्हें प्रकट किया, इसलिए शास्त्र कहता है प्रकृति ही मनसा जात, मूल प्रकृति श्री राधा रानी की हृदय से ही गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुए। श्री गिरिराज महाराज की एक समय से कृष्ण राधा जी को बोले बोले देख राधे मैं ये भक्ति जगत में लीला करना चाहता हूँ मेरे साथ में चलो। राधा रानी बोले मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? बोले जहाँ पर गिरिराज नहीं यहाँ पर यमुना महारानी नहीं, यहाँ पर श्री निधुवन निकुंजवन नहीं, जहाँ पर नंदगांव बरसाना नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। बोले देख राधे जब ये गोलक वृंदावन से मैं मरते जगत में उतरूंगा ये जो कुछ देख रहे ना ये सबके सब उतर करके जाएंगे, मैं भी चलूंगा, मेरे साथ में मेरे पिता माता ग्वाल बाल भी चलेंगे, तुम भी चलोगे, तेरे पिता माता सखियां भी चलेंगी। राधा रानी बोले फिर तो मैं चलूंगा, फिर मैं चलूंगी। मतलब है जब भगवान गोलक वृंदावन से उतरे पूरा के पूरा गोलक वृंदावन को उन्होंने ये पृथ्वी के ऊपर उन्होंने उतार दिया, इसलिए लेकिन हमें क्यों दिखती नहीं ये ब्रज उजड़ा हुआ क्यों दिखती? बोले कारण है हमारे आंखों के ऊपर में एक माया की परत डाला हुआ, इसलिए हमारे हमारे भक्त लोग कहते हैं अद्यापि वो सही लीला करे गौर राय कोनो कोनो भाग्यवान दिखी बार पाए। अभी भी प्रभु वही लीला कर रहे हैं लेकिन उसको कौन दर्शन करते हैं? जो ऐसे भगवान की भक्ति करते हैं साधन करते हैं, अभी भी देखते हैं भगवान वृंदावन में बंसुरी बजाते हैं, अभी भी कृष्ण रास रचाते हैं, अभी भी कृष्ण गैया चराने जाते हैं, अभी भी गोपियां ब्रज में पानी भरने के लिए, अभी भी यमुना नदी में गोपियां पानी भरने के लिए जाती हैं। हमारे संप्रदाय में जो संत लोग हुए उन्होंने तो डायरेक्ट ठाकुर की लीला देखते थे, कैसे गुल्ली डंडा खेलते हैं, कैसे ठाकुर जी गैया चराते हैं। राधा रानी कभी इच्छा हुई राधा रानी स्वयं आकर खीर बनाकर खिला कर जाती है, हैं? ठाकुर जी अभी भी लीला करते हैं। इसलिए जब गिरिराज गोवर्धन इसे मरते जगत में आए स्वर्ग से देवता लोग उन्होंने पुष्पों की बौछार और शंख बजाए दुद्दू भी बजाए और श्री गिरिराज गोवर्धन की जयकार दिए। श्री गिरिराज महाराज कहते हैं गिरिराज गोवर्धन आया कैसे? कहते हैं सावमल द्वीप में इनके पिताजी का नाम कहते हैं पिताजी का नाम द्रोणाचल और माँ की नाम धरा, धरा मतलब पृथ्वी, द्रोणाचल मतलब द्रोणाचल पर्वत है, इनके बेटे बन करके गिरिराज जन्म हुए। लेकिन वो आए कैसे वहां पर? अभी गिरिराज गोवर्धन वृंदावन में कैसे आए? इसकी दो कथाएं, एक कथा है जिस समय माता सीता को रावण उठा करके ले गया समुद्र को, भगवान ने रास्ता मांगे बोले तुम्हारे पास में दो बंदर है एक नर और एक नील, इनको ऋषियों ने वरदान दिया कोई चीज को अगर स्पर्श करके पानी में छोड़े वो डूबेगा नहीं पानी में तैरेगा, पहाड़ को लाओ और इनको दोनों को हाथ लगा दो और उसमें राम का नाम लिख करके छोड़ दो देखना वो तैरेगा। भगवान राम बोले भैया बड़े से बड़े पहाड़ लाओ जल्दी जल्दी पुल बंधे और माता सीता की उद्धार हो जाए। हनुमान जी ढूंढ रहे थे कुछ बड़े से बड़े पहाड़ मिले और उन्होंने भ्रमण करते करते जब उन्होंने द्रोणाचल पर्वत पे पहुंचा गिरिराज गोवर्धन विशाल, अब लोग गए हो गिरिराज गोवर्धन कौन कौन परिक्रमा लगाए सबके सब कितने बड़े गिरिराज, अभी तो गिरिराज धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं एक सॉरी साहब परिमाण नीचे जा रहे धसते जा रहे हैं, पहले तो इतनी ऊंचाई बोले 64 मील उसकी लंबाई चौड़ाई थी इतने विशाल, लेकिन ऋषि के अभिशाप से नीचे धीरे धीरे जा रहे हैं।
उन्होंने हनुमान जी बोले अगर इसको ले जाए ना जल्दी जल्दी पुल बन जाएगी। उन्होंने जय श्री राम बोल करके एकदम उल्टा हाथ में उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को उठा लिए और आकाश में उड़ते हुए जा रहे थे। जब जा रहे थे अभी जहाँ पर गिरिराज जब वहीं पर आए इतने में पुल बांधना समाप्त हो गया। राम बोले देखो अभी पहाड़ पर्वत लाने का जरूरत नहीं, पुल बंधना समाप्त हो गया, बोलो रख लो गिरिराज पर्वत को। हनुमान जी वहीं पर रखे। इतने में गिरिराज तो रोने लगे, बोले हनुमान जी मेरे को इतने दूर से लाए हो, वहां जाता तो प्रभु की सेवा में लगता, प्रभु चल कर के चलते मैया सीता की सेवा में मैं लगता, मेरे को बीच में तुमने रख दिया, क्यों रख दिया? वो दुखी हो गए। हनुमान जी बोले कोई चिंता मत करो, यही राम ही द्वापर युग में श्याम बन करके आएगी, अभी तो तुम्हें थोड़ी सी सेवा मिलता, उसी समय ठाकुर जी तेरे को कनिष्ठ अंगुल को पर धारण करेंगे, सारे ब्रजवासी तेरे नीचे आश्रय ग्रहण करेंगे, तेरे ऊपर में गैया चराएंगे, तेरे में रास रचाएंगे, तेरे ऊपर में प्रभु जी फल मूल खाएंगे, तुम्हारी जल विहार करेंगे, कुंजे कुंजे में कंदरा कंदरा में प्रभु लीला करेंगे, इससे भी ज्यादा सेवा द्वापर युग में मिलेगा, यही राम ही परम ब्रह्म रूप में कृष्ण बन करके आने वाले। फिर तो गिरिराज प्रसन्न हो गए, कहते ये एक कथा गिरिराज आए कैसे। दूसरी कथा है, ये काशी में एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था श्री पुलस्त्य ऋषि। एक दिन भ्रमण करते करते जब द्रोणाचल पर्वत में पहुंचे गिरिराज को देखा, इतने सुंदर था गिरिराज, जहां पर ठंडा नहीं गर्म नहीं, झरना तालाब जिसमें सरोवर जिसमें कुंज गुफाएं बड़े सुंदर अद्भुत, जहां पर हर तरह का फूल हर तरह का फल जिसमें। बोले भैया बड़ा सुंदर स्थान है, अगर इसको किसी तरह से काशी ले जाते हैं ना, वहां पर कोई ऐसे स्थान नहीं जहां पर संत मेरे की भजन करे। तो उन्होंने उनको पिताजी द्रोणाचल है, बोले आपसे एक चीज मांगूंगा आप दोगे? बोले बता। बोले आपका बेटे को दे दोगे अगर आपका घर में कोई आए? बोले तेरे बेटे दे दो, आप बेटे को दे दोगे? बेटे नहीं दोगे? उन्होंने देखा अगर मैं मना करूंगा तो ऋषि क्रोधित हो जाएंगे। बोले भैया बेटे जाएगा कि नहीं जाएगा उसको ही पूछ लो। बोले गिरिराज मेरे साथ में चलना पड़ेगा। उन्होंने देखा अगर मैं मना करूं तो अभिशाप दे देंगे ऋषि। उन्होंने बात को घुमा दी, बोले देखो मैं दो शर्तों के ऊपर जा सकता हूँ, पहला शर्त है मेरे को हाथ में उठा करके लेना पड़ेगा, दूसरी शर्त है अगर बीच में आप अपवित्र हो गए अगर मेरे को नीचे रख दिया फिर तो मैं उठने वाला नहीं। बोले कोई बात नहीं, अपना जोग प्रभाव से पुलस्तरी से गिरिराज को उन्होंने उठा लिया, विशाल पर्वत को उन्होंने उठा लिया और लेकर के जा रहे थे जहां पर अभी गिरिराज गोवर्धन जब वहीं पर आए। गिरिराज आए कहां से? बोलो तो वृंदावन से। निकले कहां से? राधा जी के हृदय से। और क्यों आए? कृष्ण की सेवा के लिए। और इनको कहां ले जा रहे? बोले काशी। बोले क्यों? बोले फांसी देने के लिए। बोले फांसी मतलब क्या? काशी में सब ब्रह्मवादी है, ब्रह्मवादी है जो भगवान को निराकार मानने वाले हैं, मुक्ति एक तरह का सुइसाइड है, इसलिए वो जाना नहीं चाह रहे। बोले प्रभु मेरे को कहां काशी फांसी देने ले जा रहे? वो तो ब्रह्म ज्ञानी वहां रहते, शुष्क हृदय ब्रज भूमि तो रस भूमि है, ये तो प्रेम भूमि, यहाँ पर राधा कृष्ण जुगल सरकार की यहाँ पर प्रेम की नदी रहेगी, मैं देखिए इनकी सेवा के लिए मैं आया हूँ, ठाकुर जी अपना चरण में मेरे को स्थान दे दो। जब हृदय से प्रार्थना की इतने में जोग माया ने किया कि इतने जोर से उनको लघु संख्या लगा, लघु संख्या को रोक नहीं पाए, भूल गए उन्होंने क्या प्रतिज्ञा लेकर के आए थे, उन्होंने पर्वत को वहीं पर रख दिए और जब लघु संख्या के लिए बैठे ना घंटे तक लघु संख्या खत्म नहीं हो, भगवान ऐसे माया रचाए उसको। बाद में फिर हाथ पैर धोकर जब गिरिराज को उठाने के लिए गए, गिरिराज टस से मस नहीं हुए, बोले मैं और नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले आपने क्या प्रतिज्ञा किया था? मेरे को नीचे नहीं उतारोगे, अपवित्र हो गए तो छू नहीं सकते, घंटे तक बैठ के लघु संख्या किया, अभी मैं जाने वाला नहीं, पुलस्त्य से अभिशाप दिया। बोले तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ तो टुकड़े टुकड़े हो जाओगी और हर रोज तुम एक तिल खाए होते जाओगे। बोले प्रभु मैं तो ठाकुर को सेवा के लिए रहना चाहता हूँ, ठाकुर जी आने से पहले अगर खत्म हो गया रह कर के क्या लाभ, इतना आशीर्वाद दो जब तक ठाकुर जी लीला नहीं करके जाते हैं तब तक पूर्ण रूप में रहूं, जब चले जाए फिर लागू हो। तथास्तु बोल दिए।
इसलिए गिरिराज गोवर्धन नीचे जा रहे हैं। देखो जब घोर कलयुग आएगा ना, ये गंगा भी नहीं रहेगी अभी तक, और यमुना भी नहीं रहेगी, ये गिरिराज भी नहीं रहेंगे, और इतने घोर पाप होने वाले आप जो सोच भी नहीं सकते हो। धीरे 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 कली का प्रभाव पड़ रहा है, हैं? उल्टा पुल्टा खान पान, स्त्रियां अपना इज्जत को बेचेगी, सती नाम का कोई चीज नहीं रह नहीं जाएगी, कलयुग का घोर वर्णन आया है। कहते माँ अपना बच्चे को काट काट कर खाएगी, ऐसे ऐसे वर्णन आए कलयुग में हैं। इसलिए जितने जल्दी होना, जैसे दो बार हमें जन्म लेना नहीं पड़े, दो बार जन्म होगा तो बड़े बुरी दशा देखना पड़ेगा। अभी तो थोड़ी बहुत भक्ति और इज्जत है, उसी समय इज्जत नाम का कोई चीज नहीं रह जाएगी। ऐसे इंटरनेट मोबाइल स्मार्टफोन इस पूरा दुनिया को भ्रष्ट कर रहा है। इसलिए जितने जल्दी हो भगवान की भक्ति करो और ठाकुर के पास में चले जाओ। जितने जल्दी हो ठाकुर के पास में चले जाओ, तभी जाओगे जब भगवान की भक्ति करोगे, नहीं तो यहाँ से मुक्ति नहीं। फिर पुनरपि जन्म हम पुनरपि मरण, जन्म मृत्यु का चक्कर में हम पड़े रहेंगे। इसलिए कहती है दूसरी कथा है, बोले एक समय मैया जसोदा रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ बना रही थी। इतने में कन्हैया बोले मैया मैया कहाँ बाप है, तो ये रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ इतने बढ़िया खाना क्यों बना रहे, कल क्या मेरी जन्मतिथि है? बोले नहीं। बोले ताऊ भैया का? बोले नहीं। बोले फिर? बोले जा बाबा के पास में जा। अभी कन्हैया जाकर बाबा की गोद में बैठ गए, दाढ़ी पकड़ करके बोले बोले बाबा बाबा मैया ये रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ क्यों बना रही है, कल क्या मेरे जन्मतिथि? बोले नहीं। बोले फिर? बोले बेटा हम श्री इंद्र को पूजा करेंगे। बोले पिताजी इंद्र होता है कौन, क्यों पूजा कर रहे हो, इनकी पूजा से क्या होता है? बोले देख बेटा हम लोग गोपाल ग्वाला, हमारा मूल धन गैया, ये इंद्र का अधीन में ये मेघ रहता है, और इनके आदेश से बारिश होती है, बारिश होने पर वहाँ घास उगता है, गैया घास खाते हैं, दूध देते हैं, दूध से ही जो मिठाई बनना, दही मट्ठा और घी मक्खन कहाँ से बनता, दूध से, हमारा मेन आहार दूध है, गैया हमारी आराध्या देवी, इसलिए इनकी कृपा से सब कुछ होता है। लेकिन कृष्ण को क्या करना, ये गिरिराज गोवर्धन की पूजा का स्थापन करना, क्यों? ये गिरिराज कोई साधारण नहीं, ये गिरिराज जी कौन है? बोले साक्षात कृष्ण, साक्षात विष्णु, ये गिरिराज गोवर्धन, ये गोवर्धन कोई साधारण पहाड़ नहीं, ये गोलक वृंदावन से आए। अभी ठाकुर को गिरिराज की पूजा करना, इसलिए कृष्ण बात को घुमा करके बोले पिताजी आप ये बताओ गिरिराज को कितना दिन से पूजा कर रहे हो? बोले जब से हो सर। बोले जब आप भोग लगाते हो आपने देखा गिरिराज को खाते हुए? बोले नहीं लाला। बोले जिस देवता को देखा ही नहीं आप उनको पूजा कर रहे हो? बोले बाबा हमारा जो ब्रज का देवता है ना, कौन है? बोले गिरिराज बाबा देवता है। मेघ का कैसे होता है? कहते मेघ आकर के टकराता है गिरिराज गोवर्धन में है, और गिरिराज एकदम हरा भरा थी, देखना कहाँ पर ज्यादा बारिश होती जहाँ पर हरा भरा हो, इसलिए मेघ को खींच करके लाती है, और ये गिरिराज जो हरा भरा है ना इसकी वजह से यहाँ पर बारिश होती है। बोले बाबा जब आप गिरिराज गोवर्धन की पूजा करोगे देखोगे ये स्वयं गिरिराज प्रकट होंगे, और जो कुछ उनको भोग लगाओगे देखोगे सब कुछ ग्रहण करेंगे, आप इनसे जो कुछ मांगोगे गिरिराज सब इच्छाओं को पूरी करेगी। बोले लाला इन्हीं आंखों से गिरिराज की दर्शन होगा। बोले और क्या? बोले पिताजी ये जो इंद्र है ना ये एक आधिकारिक देवता, मतलब इनके गांठ में कुछ है ही नहीं, ये इंद्र कुछ नहीं दे सकते हैं। जब हम इंद्र को प्रार्थना करते हैं ये इंद्र ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं, अगर ठाकुर जी की कृपा हो उनका आदेश हो फिर ये इंद्र खुद दे सकता है। फिर डायरेक्ट आप भगवान को क्यों भक्ति नहीं करते हो, डायरेक्ट गिरिराज से क्यों नहीं मांगते, इनसे मांगने का क्या जरूरत है? बोले लाला इन्हीं आंखों से हम ठाकुर का दर्शन होगा। बोले और क्या? बोले फिर तो कल हम इंद्र पूजा नहीं, कल क्या किसकी पूजा करेंगे? गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। बोले श्री गिरिराज महाराज उन्होंने ब्रज में ढिंडरा पिटवा दिया, कल गिरिराज की पूजा होगी और इन्हीं आंखों से साक्षात दर्शन मिलेगा। ब्रजवासी बोले इन्हीं आंखों से देवता मिले दर्शन करेंगे। बोले हाँ, ब्रजवासी तो खुश हो गए। बोले भैया
गिरिराज के लिए चार तरह के चावल बनाए, पता नहीं आप क्या क्या चावल लाए हो। चार तरह का चावल, एक नमकीन, एक मीठा और एक फीकी और एक मटर और पनीर डाल करके कितना तरह के चावल लाए। इसलिए दो तरह का कढ़ी बनवाए, एक राड कढ़ी और एक सुहागिनी कढ़ी। राड कढ़ी बगैर पकड़ के और सुहागिनी कढ़ी जिसमें पकौड़ा डालकर बनाते हैं। दो तरह के चूरमा लाए, एक हंसना एक रोना। कोई राजस्थान से है क्या? राजस्थान से कोई है? कोई नहीं राजस्थान से। इसलिए दो तरह का चूरमा बनाए, हंसना मतलब जैसे घी टपकता है, रोना मतलब हंसना मतलब कहते जिसमें रोना मतलब जैसे घी टपकता है, हंसना मतलब पतलक रखते जो खिली जाए। पांच तरह का तो दाल बनवाए, अरहर का दाल, मूंग की दाल, छोले का दाल और उड़द का दाल है और मूंग दाल। पांच तरह का दाल बनाए, पराठा 15 तरह का पराठा बनाया है। हमारे एक भक्त है वो 40 तरह का पराठा बनाता है, 40 तरह का। हाँ, बथुआ की, मूली की, आलू की, गोभी की है, इसलिए मेथी की, इतने पराठा बनवाए। और वहां पर इसलिए उसका नाम पड़ गया अन्नकूट। अन्नकूट मतलब क्या? वहां पर चावल आया तो पर्वत, कूट मतलब होता है पर्वत। रोटी आया तो पर्वत जैसे है, मालपुआ आया तो पर्वत जैसे। बोले कितना गांव ब्रज में, बोले 365 गांव, अभी भी 365 गांव है। तरोली, बरोली, सही, ऊंचा गांव, नंदगांव, बरसाना, अभी भी जाओगे ना है, इसलिए अभी भी देखोगे 365 गांव अभी भी ब्रज में। और इतना सारे सामान लाए, पूरा गिरिराज पूरा भर गया। कृष्ण ने कहा देखो एक एक गांव ना अलग अलग जगह पर रखो, नहीं तो बाद में बर्तनों को लेकर लड़ाई होगी। इसलिए अलग अलग जगह पर अलग अलग गांव वाले रखो। और कृष्ण स्वयं अपने हाथों से गिरिराज के पंचामृत से उन्होंने पुरुष सूक्त मंत्र से अभिषेक किया। अभिषेक करके एक लोटे में पानी था, वो पानी का जब गिरिराज के स्नान के लिए डाला ना, उनका केस ही नहीं भीगा। बोले भैया और पानी ले आओ। बोले तालाब का ना, नदी की? बोले नहीं, गिरिराज के लिए गंगा पानी चाहिए। गंगा पानी में अभिषेक हुई। ब्रजवासी बोले भैया हमारा तो इंद्र अच्छे थे, किसी पानी में स्नान करा तो तेरे इसे ठाकुर गंगा पानी के बगैर नहाएंगे नहीं। गंगा यही थोड़ी है, वो गंगा नाम हरिद्वार स्वर में जाकर गंगा। भैया हमारा तो कृष्ण इंद्र ही अच्छे थे, देखो तभी तेरे गिरिराज को हम गिरिराज मानेंगे। अगर गिरिराज तुम्हारी अगर स्वयं यहाँ पर गंगा प्रकट करते। कृष्ण बोले चिंता क्यों करते हो, गिरिराज ऐसे तैसे देवता नहीं, सब इच्छा पूरी करते। आग बंद करो सबके सब, सबके सब आग बंद करो। आग बंद किया ना, कृष्ण अपना मन मन में मानसी गंगा को स्मरण किया। सचमुच से देखा गंगा हरिद्वार से कंकलनाद करते 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 गंगा देवी स्वयं प्रकट हो गई। श्री गंगा देवी और मगरमच्छ के ऊपर स्वयं गंगा प्रकट हुई। सबके सब गंगा को दर्शन कर रहे थे और सबके सब गंगा में गोता लगाए। जब सबके सब गोता लगाए, गिरिराज बोले भैया मैं क्यों बाकी रह जाऊंगा। गिरिराज गए हो कौन कौन कर वहां मानसी गंगा में जाना। देखना गिरिराज सब जगह में ऊंचा है, लेकिन वहां पर देखो गिरिराज नीचा है, क्योंकि गिरिराज भी उसमें स्नान कर रहे हैं। गिरिराज गोवर्धन उन्होंने बढ़िया से गिरिराज की स्नान किया। स्नान करके ठाकुर को बड़े सुंदर श्रृंगार की, तिलक लगाया, श्रृंगार की, पैता चढ़ाए, जनेऊ चढ़ाया और जितने खाना लाए थे ना, ये हमारे पुजारी नाम दिया तब्बर गुरु नाम दिया भोग लगा। इसलिए जितने सब खाना लाए थे सब में तुलसी पता रख दिया। और तुलसी पता रख करके देखो और एक चीज सीखो, हाँ ध्यान देकर देखो एक चीज, एक मिनट देख लो। जैसे ठाकुर को भोग लगाते ना, अच्छे तरह से सुनो ठीक से ध्यान से, जैसे ठाकुर को कैसे भोग लगानी चाहिए है? भोग लगाने का नियम है, जैसे कोई व्यक्ति आता है हम क्या करते हैं, उसका आसन देकर बैठाते हैं, हाथ धोते हैं, उसका चरण में थोड़ा फूल देते हैं है? उसी तरह जब ठाकुर को भोग लगता है ना, ऐसे भोग लगानी चाहिए। कैसे लगानी चाहिए? वहां पर पंचपात्र है, पंचपात्र है वहां पर, पंचपात्र है नहीं पंचपात्र ना, एक एक आज में आपको धीरे धीरे सब चीज सिखाएंगे। हमारे यहाँ पर श्री कृष्णदास प्रभु जी है ना, ये धीरे धीरे आपको सिखाएंगे कैसे ठाकुर को भोग लगाने चाहिए। एक आचमन पात्र होता है, उससे पानी लेकर के जैसे कोई व्यक्ति आए, हाथ धोते हैं, इदम हाँ इदम आचमन इदम श्री नव्यदम श्री राधा इदम पुष्पांजलि, जैसे किसके चरण में फूल देते हैं, ठाकुर के चरण में फूल देते हैं, ठाकुर जी को हाथ धुलाते हैं,
ठाकुर को आसन देकर बैठा थे, बैठा करके फिर आचमन पॉइंट लेकर के इदम सहित नब्बे तो उपकरण श्री राधा कृष्णाभ्याम नम। इसलिए यहाँ पर जितने खाना है ठाकुर जी आप उसको खाओ। जैसे खाने का बाद फिर क्या करते, हाथ धुलाते हैं। इसलिए ठाकुर के सामने 5 मिनट कम से कम रखना, खाना रखने के बाद फिर हाथ धुलाने चाहिए। फिर वो पंचमात्र से पानी लेकर एकदम आचमनी हम श्री राधा कृष्णाभ्याम नम, मतलब ठाकुर जी अब अपना हाथ धो लो। अभी ठाकुर तो खाना खा लिए लेकिन प्रसाद को फिर गुरु जी को देनी चाहिए। इदम महाप्रसादम ऐन गुरु नम, इदम महाप्रसादम सर्व सखी गुरु नम, देकर के सखियों को और सारे वृंदादेवी को प्रसाद देने को जो नियम है अब हम धीरे धीरे आगे सब चीज वो सिखाएंगे, ठीक है ना। और देखो और ये भी चीज देखो, जब ठाकुर को भोग लगाते हैं जो एक मंत्र है जिसको गोपाल मंत्र कहते हैं, जो मंत्र कृष्ण सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी उसी मंत्र को जप करके दुनिया को सृष्टि की। ब्रह्मा जी नारद जी को, नारद व्यास उसी परंपरा में वो गोपाल मंत्र अभी तक आया है गुरु परंपरा में। नियम है जब ठाकुर को भोग लगाते हैं इसे हाथ को नीचे रखकर, सिद्धार्थ को नीचे रख करके उल्टा हाथ को उसको ऊपर ऐसे रखना पड़ता है। यहाँ पर रख करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार वो मंत्र को खाने के ऊपर बोलना पड़ता है गोपाल मंत्र को। इसी मंत्र से ठाकुर को भोग लगी जाती है, इसी मंत्र को पढ़ना, ठाकुर जी खाते हैं इसी मंत्र से। लेकिन ये मंत्र गुरु जी से मिलता है जब कोई हरिनाम ग्रहण करते हैं कुछ दिन हरिनाम के बाद में, फिर वो मंत्र को हम उसको प्रदान करते हैं जिस मंत्र से ठाकुर को भोग लगानी चाहिए। इसलिए कृष्ण स्वयं ठाकुर जी को आह्वान करके जब भोग लगाया ना, सचमुच से स्वयं गिरिराज जी प्रकट हो गए, सबके सब दर्शन कर रहे थे गिरिराज को, और गिरिराज हाथ बढ़ा बढ़ा कर खा रहे थे और उन्होंने मिनट में उन्होंने सब कुछ खा लिया और बोले आनो रे और लाओ और लाओ और लाओ। ब्रजवासी बोले प्रभु हम गरीब ब्रजवासी, आप इतने में खुश हो जाओ। गिरिराज प्रसन्न हो गए और बोले तुम लोगों के मन में जो कुछ इच्छा मांग लो। देखो आपके सामने गिरिराज है, आप लोग जो कुछ गिरिराज मांगोगे ना गिरिराज सब इच्छा पूरी कर लेते हैं। इसलिए जो मांगना तो मांगो लेकिन एक चीज जरूर मांगो, ठाकुर जी आपकी चरण की हमें भक्ति दो, आपकी चरण की हमें प्रेम दो। भक्ति प्रेम को द्वारा ही शांति और उसको द्वारा ही ठाकुर जी हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन वो सबके सब ब्रजवासी थे, बोले प्रभु हमारे लाला को ऊपर में बारंबार विपत्ति आती है, इतना आशीर्वाद पर कृष्ण को ऊपर में कोई विपत्ति नहीं आए। देखो ध्यान से सुनो, कृष्ण बोले मैं अपनी आप से एक वर देना चाहता हूँ। देखो ठाकुर जी क्या कहते हैं, बोले आज का दिन ये गिरिराज गोवर्धन की उत्सव में जो एक अन्न की दाना केवल गिरिराज की सेवा में लगाए मैं उनको वरदान देता हूँ, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगी, उसको घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी। ये गिरिराज गोवर्धन अपना मुंह से ये बात को बताए। इसलिए आप गिरिराज जाओगे ना तो 12 महीना वहां पर ठाकुर जी की 56 भोग लगती है। दूर दूर से लोग आकर के कोई अभिषेक कर रहे हैं, कोई दूध धारा से कोई परिक्रमा लगा रहे हैं, कोई गिरिराज को अन्नकूट, अब 12 महीना वहां पर देखोगे अन्नकूट महोत्सव लगा रहता है। बोले क्यों, बोले उनको सेवा एक बार करो जन्म जन्मांतर की हमारी भूख प्यास सबके सब खत्म हो जाएगी। बोले श्री गिरिराज महाराज की। कृष्ण ने कहा सखाओ भोजन करो, चकाचक भोजन करो, चलो हम सबके सब गिरिराज की हम परिक्रमा करेंगे कृष्ण स्वयं। इसलिए गिरिराज की इतना महिमा क्यों, केवल एक ही ठाकुर हुए विश्व ब्रह्मांड जिसे बांके बिहारी की पूजा करता, बांके बिहारी स्वयं अपना हाथों से गिरिराज की पूजा और उन्होंने राधा जी को लेकर के सखिया सखी सबको लेकर के स्वयं परिक्रमा की, तभी ये गिरिराज की इतने महिमा है। अभी कृष्ण सब भक्तों को लेकर के परिक्रमा लगाने के लिए गए। परिक्रमा कैसे लगाई, देखो पहले कौन चल रहे थे, संत ब्राह्मण, उसको पीछे जितने गैया और उसको पीछे जितने गो और सबसे पीछे गोपियां और राधा रानी कहाँ चल रही थी, सबको पीछे श्री राधा रानी चल रही थी सबको पीछे। जब उन्हें थोड़ी दूर गए अभी राधा रानी सोच रही है, बोले कृष्ण अगर सचमुच से मेरे प्रियतम है, मेरी मन की भावना समझते हैं, अगर कृष्ण थोड़ी सी मेरे को स्पर्श करे ना फिर मैं समझ जूंगी जो कृष्ण की मेरे ऊपर में कृपा है। लेकिन राधा रानी कहाँ पर, राधा रानी सबसे पीछे, राधा रानी थी। अभी कृष्ण आए कैसे, कृष्ण तो बीच में,
उन्होंने क्या किया, एक बछड़े को मुंह पीछे करके उसका पूंछ को उन्होंने ऐंठ दिया। जब ऐंठ दिया वो बछड़ा तो फुदकते हुए एकदम पीछे चला गया। कृष्ण बछड़ा का बहाना बनाकर पीछे गए और राधा रानी को पीछे से स्पर्श कर दिया और राधा रानी तो प्रेम में गदगद हो गई। श्याम सुंदर मेरी मन की भावना को समझ गए। फिर थोड़ी दूर गए, फिर राधा रानी सोच रही हैं क्या कृष्ण मेरे को थोड़ा दर्शन देंगे, कृष्ण की दर्शन मिलेगा। अभी राधा जी की मन की भाव कृष्ण समझ गए, अभी दर्शन कैसे दे। इतने में कृष्ण ने क्या किया, जो गैया चरण का जो लकुटी थी ना वो लकुटी को उन्होंने ऐसे फेंके, फेंक करके कृष्ण को पकड़ने के लिए गए राधा रानी पीछे कृष्ण बीच में, फिर दोनों का दोनों आंख मिल करके एक हो गया। ऐसे ही कृष्ण ब्रजवासियों को लेकर के पूरा उन्होंने गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाई। अभी हमारे प्रभु जी गिरिराज की परिक्रमा की भजन करेंगे। अभी गिरिराज को यहाँ से उठा करके बीच में रख लेना, ठीक है, कि टूल गोबर में आप लोग गिरिराज की चार परिक्रमा लगा लेते और जो कुछ मांगना गिरिराज से मांग लेना, ठीक है। श्री गिरिराज महाराज की जय। उन गिरिराज धरण भगवान की। यहाँ पर कोई है, आ जाओ, कहाँ गया कुनाल, ये गिरिराज को लेकर के ना तो एक टूल में बीच में रख लेना, रख करके गिरिराज को टूल में रख लेना, सबके सब परिक्रमा कर लेना। जय जय श्री राम अनंत गोवर्धन को जो मेरे पे नाय मते मेरे को
Thank you.
Yeah.